हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव में नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स यूज इन डिफरेंशिएशन। ठीक, यानी कि जो डेरिवेटिव्स हम पढ़ के आए हैं, डिफरेंशिएशन जो हम पढ़ के आए हैं, उसकी हेल्प से हम टेंजेंट्स और नॉर्मल के इक्वेशन निकालना सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें स्ट्रेट लाइन का काफ़ी कुछ यूज़ होगा। तो क्लास 11th में जो बच्चे पढ़ के आए हैं अच्छे से, अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है अच्छे से तो एक बार आप रिवाइज़ कर सकते हो एनसीईआरटी से, या जब मैं यहाँ पर बताऊंगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं। अगर आपने ठीक से नहीं भी पढ़ा है तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। बशर्ते ये कि जब मैं आपको बताऊं तो आप ना अपनी कॉपी में नोट लगा लीजिए वहीं पे, और उसको एक दो बार रिवाइज करिए, हाँ भाई मैंने क्या बताया, उसको समझने की कोशिश करिए। ठीक है, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है स्ट्रेट लाइन पे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम उसके यूज़ करेंगे। तो नहीं भी पढ़ के आए तो यहाँ धीरे धीरे आप सीखते रहोगे, टेंशन नहीं है। तो ट्वेल्थ का भी आप सीखोगे यहाँ धीरे धीरे, और इलेवंथ का भी मैं आपको सिखाता रहूँगा। ठीक है, तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले जो बच्चे नए आए, जाइए बच्चों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ क्लिक करिए, या कॉमेंट सेक्शन आप चेक कर लीजिए, वहाँ मैंने आपके चैप्टर्स के लिंक कॉमेंट करके पिन कर दिए हैं। ठीक है, तो आपको चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी, डिफरेंट चैप्टर, और ये चैप्टर भी आपको पार्ट वन से इसका भी प्लेलिस्ट वहाँ पे मिल जाएगा। तो बच्चों, टॉपिक हमने यहाँ लगाया है फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन। देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखा हुआ है हमने, मतलब टेंजेंट भी एक तरीके की क्या होती है, लाइन होती है, एंड नॉर्मल लाइन लिखा है, नॉर्मल भी एक तरीके की लाइन होती है। ठीक है, टू अ कर्व एट अ पॉइंट यूजिंग डिफरेंशिएशन। अब इसका मतलब क्या है, पहले समझो क्या कि टेंजेंट क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। मान लो कि आपके पास कोई कोई कर्व है f(x), मतलब कोई फंक्शन है f(x), उसका आपने कर्व ड्रॉ किया। ठीक है, और उसका कर्व कुछ इस तरीके का आ रहा है, कार्टेशियन प्लेन में कुछ इस तरीके का आ रहा है, ध्यान से चेक करिए। लेट अस से कर्व ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है। ठीक, अब सुनो, देखो बच्चों, टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट का हिंदी मतलब होता है, ये देखिए, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श ज्य। ओके, स्पर्श मतलब क्या होता है, छू कर निकलना, टच करके निकलना। मतलब टेंजेंट क्या करती होगी, टेंजेंट एक ऐसा लाइन होता होगा जो किसी दिए गए कर्व को एक पॉइंट पे टच करके निकलता है। ठीक है, तो ये कर्व है, इस पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, ये देखिए ये पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट हमने लिया, और इस पॉइंट को जस्ट टच करके जाने वाली जो लाइन होगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। तो ये हो गया आपका टेंजेंट वन। ठीक है, क्या एक ही टेंजेंट बन सकती है, नहीं, क्योंकि कर्व पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसलिए बहुत सारी टेंजेंट बन सकती है। तो हम आइए आपको एक और टेंजेंट बना के दिखाते हैं, किसी और पॉइंट पे ले लीजिए आप। ठीक है, अगर आपने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट किया होता तो टेंजेंट इस तरीके से आती आपकी, ये देखिए। तो कर्व पे लाई करने वाले, कर्व पे पड़े हुए किसी पॉइंट को टच करने वाली, टच करके जो लाइन जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट। ये सेकंड टेंजेंट आ गई। इस तरीके से एक दो टेंजेंट आप भी ड्रॉ करके चेक करिए कि आप कर पाते हो कि नहीं। ठीक है, तो ये तो टेंजेंट हो गई। चलो, तो हम जो टेंजेंट पहले बनी थी वापस उसको बना लेते हैं, और बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि नॉर्मल क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, ये पॉइंट लिया और ये हमने यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करी। ठीक है, ये इसको टच करके जा रही है इस पॉइंट पे। अब देखो क्या कर रहे हैं, आपको इस टेंजेंट पे आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो लाइन इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो। ध्यान से सुनो, जो लाइन इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर हो, लेकिन कहाँ से पास करें, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास करें। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये वाला पॉइंट, क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब क्या, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब है कि कर्व को ये टेंजेंट जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसको हम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो सुनो, हमने क्या बोला, एक लाइन लो और वो लाइन परपेंडिकुलर होनी चाहिए इस टेंजेंट पे। तो ध्यान से, परपेंडिकुलर का मतलब 90 बनानी चाहिए इसके साथ। ठीक है, तो चेक करो, हम ऐसे भी बना सकते थे लाइन, चेक करो, ये वाली जो लाइन है ये इस टेंजेंट के साथ 90 डिग्री तो बना रही है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, लेकिन हमने बोला कि लाइन आपको ऐसी लेनी है जो इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर तो हो, बट कहां से होके पास करे, इस पॉइंट से, यानी कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से होके पास करें। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा आपका, आपका केवल एक ही लाइन ऐसा पॉसिबल होगा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास करता है, उस टेंजेंट के नॉर्मल है, वो पॉइंट होगा कुछ इस तरीके से, वो पॉइंट कह रहा हूँ सॉरी, वो लाइन होगा कुछ इस तरीके से। तो ये वाली जो लाइन बन के आई है, ठीक है, इसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। ठीक है, यही लाइन क्या कहलाएगी, नॉर्मल। तो अब आपको समझ में आया टेंजेंट क्या होता है, जो कर्व को एक पॉइंट से जस्ट टच करके जाता है उस लाइन को हम टेंजेंट बोलेंगे, और नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल टेंजेंट पे डाला गया परपेंडिकुलर लाइन होता है, बट वो कहाँ से पास करना चाहिए, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से। तो ये आपको नॉर्मल और टेंजेंट समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्लास 11th की तरफ। क्लास 11th में हमको क्या पढ़ाया जाता था कि द इक्वेशन ऑफ अ लाइन
पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो पढ़ो या एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पढ़ो, हैविंग अ फाइनाइट स्लोप एम इज गिवन बाय वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। अब इसका क्या मतलब है बच्चों, सुनो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि स्लोप क्या होता है। देखो बहुत सारे बच्चों को स्लोप ही नहीं पता है और क्लास 11th के एनसीईआरटी में ही हमको स्लोप पढ़ाया जाता था। स्लोप का मीनिंग समझिए जरा क्या होता है बच्चों। देखिए मान लीजिए कि ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, हमने लिया ये एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, ठीक है। तो कोई लाइन जो है, कोई लाइन हमने ये बनाई, ठीक है, ये कोई लाइन है, सपोज इसका नाम L1 है। तो कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ध्यान से सुनना मेरी बात, कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलती, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये रही आपकी, तो कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है बच्चों, उस एंगल का अगर हम क्या ले लें, उस एंगल का अगर हम क्या ले लें, उस एंगल का अगर हम टैन थीटा ले लें, ठीक है, तो इसी टैन थीटा को हम क्या बोलते हैं, एम बोलते हैं, एम से दिखाते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। स्लोप का मतलब होता है झुकाव, मतलब ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किस तरीके से झुकी हुई है, उसका स्टाइल क्या है झुकने का, तो ये स्टाइल है उसका झुकने का, इतना एंगल बनाती है। तो सोचो ना कभी ये लाइन ऐसे पड़ी होगी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, अब ये ऐसे ऐसे चल रही होगी एंटी क्लॉकवाइज, सोचो ऐसे 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 और करते करते मान लो यहां पहुंच गई, तो इसने जितना भी एंगल बनाया है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये लाइन कैसे चल रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। तो उस एंगल का अगर आप टैन ले लोगे तो इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है, बात समझ में। तो ये हमने डिस्कस किया आपसे क्या, स्लोप ऑफ अ लाइन। चलो बहुत बढ़िया, यानी कि m क्या होता है, स्लोप ऑफ अ लाइन होता है, इसको हम tan थीटा से निकाल सकते हैं। अब समझिए ना, देखिए यहां पर हमने एक पॉइंट लिखा है, इफ अ टेंजेंट लाइन टू द कर्व y = f(x) मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन देन dy / dx। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने आपसे करी हुई है यहां पर, ठीक है, और आपको ये बात बिल्कुल भी समझ में आनी चाहिए। देखिए समझिए जरा, मान लीजिए कि आपके पास कोई कर्व है, आपके पास कोई कर्व है, हम वही कर्व वापस ले लेते हैं, लेट अस से ये हमारे पास कर्व है, ठीक। अब देखिए इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, समझिए ना, इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, और अभी अभी हमने आपको बताया था डिफरेंट पॉइंट पे टेंजेंट्स की स्थिति अलग अलग होगी, तो ये इस पॉइंट पे अलग तरीके की टेंजेंट होगी, तो हमने बस इस पॉइंट को कंसिडर किया, इस पे जो टेंजेंट डाला इसका नाम हमने T1 रखा। अब गौर करिएगा जरा, ये जो टेंजेंट है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है, ठीक है। यानी कि अगर हम टैन थीटा निकाल लें, अगर हम टैन थीटा निकाल लें तो यही क्या होगा, एम होगा। किसका एम, एम का मतलब स्लोप, किसका स्लोप होगा, ये स्लोप होगा किसका, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, क्योंकि इस लाइन का ही तो स्लोप मिला है, और ये लाइन क्या है, इस कर्व पे टेंजेंट है कौन से पॉइंट पे, पी पे, तो हम बोलेंगे ये मिला हमको क्या, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और ये टेंजेंट की स्थिति क्या है, दिस इज द टेंजेंट एट अ पॉइंट पी, ये टेंजेंट कहां है, पॉइंट पी पे टू द कर्व, कौन से कर्व पे टेंजेंट है ये, सपोज इस कर्व की इक्वेशन क्या है, इक्वेशन कह रहा हूं, सॉरी, ये कर्व क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, कौन से फंक्शन से बना है कर्व, एफ ऑफ एक्स से बना हुआ है, ठीक है। तो हम बोलेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट पी टू द कर्व एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब सुनो मान लो बच्चों क्या, मान लो कि आपको थीटा ही नहीं पता है, आपको थीटा नहीं पता है, सोचो हमको जानकारी नहीं दी गई कि ये पॉजिटिव एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, तो हम इसका स्लोप कैसे निकालें, तो सुनो कैसे निकालते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट टू द कर्व अगर आपको निकालना होगा तो आपको क्या करना है, ये जो आपका फंक्शन दिया होगा, कर्व का फंक्शन जो दिया होगा, इस कर्व के फंक्शन को भाई ये क्या होगा, y = f of x होगा, है ना, y = something होगा ना, x2 + 2 ऐसे करके कुछ दिया होगा, अरे ऐसे करके दिया होगा ना, y = x2 + 2 टाइप का ऐसा कुछ भी दिया होगा, कोई भी कर्व हमको दिया होगा, तो हमको क्या करना है, हमको पहले इस कर्व को डिफरेंशिएट कर देना है, ठीक है, यानी कि हमको क्या निकालना है, dy / dx, किस रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो dy / dx = what, आप dy / dx बोलो या f - of x बोलो, बात क्या है, सेम। तो ये जो आपने डेरिवेटिव निकाला है, यही डेरिवेटिव कहां पर, दिए गए पॉइंट पे, कौन से पॉइंट पे, पॉइंट पी पे, हाँ भाई ये पॉइंट पी के एब्सिसा भी होगा, ऑर्डिनेट भी होगा, मतलब इसकी एक्स एक्सिस एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी, तो सपोज इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है एक्स नॉट, और वाई कोऑर्डिनेट कितना है वाई नॉट, या एक्स जीरो वाई जीरो जो भी आप बोलते हो बोल दो। तो हमको क्या करना है, डी वाई बाय डी एक्स निकालना है और उसमें एक्स नॉट वाई नॉट पुट करना है, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स नॉट वाई नॉट, या हम इसको ऐसे भी लिखते हैं क्या कि एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स नॉट, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स जो होगा वो किसका फंक्शन होगा, एक्स का, इसलिए उसमें जहां जहां एक्स आएगा वहां वहां हम एक्स नॉट पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो कुछ भी मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स एट अ गिवन पॉइंट इज वॉट, इज द नथिंग, इट इज द स्लोप
ऑफ द व्हाट ऑफ द टेंजेंट वेयर एट अ गिवन पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट कहां पर टू द कर्व। तो बात समझ में ही, यानी कि जो आप डेरिवेटिव निकाल रहे हो ना, ये कुछ नहीं है, ये क्या है किसी टेंजेंट का स्लोप ही होता है ये डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये आपको अपनी कॉपी नोट लगाना है क्या, कि इफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इज इक्वल टू f(x), ठीक है। ये देखो y इज इक्वल टू f(x) पे अगर एक टेंजेंट लाइन हमने बनाई है और वो अगर थीटा एंगल बना रही है कहां से, पॉजिटिव x एक्सिस डायरेक्शन से, ठीक है, तो dy by dx ही निकालने पर आपको क्या मिल जाता है, ये tan थीटा। अब हमने आपको बताया ना थीटा की जानकारी तो आपको मिलेगी नहीं, मान लो, ठीक है। तो आप dy by dx एट अ गिवन पॉइंट निकाल लीजिए, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको दिखाएंगे, ठीक है। अब आइए हम आपको इसका एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। ये हम उन बच्चों के लिए कर रहे हैं जिनको 11th क्लास के कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। तो देखिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो पास कर रही है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट से। तो फॉर एग्जांपल कि हमको क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कुछ ऐसा कि भाई एक लाइन है, ठीक है, और वो लाइन पास कर रही है लेट अस से 2.3 से, कहाँ से पास कर रही है 2.3 से, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से कितना एंगल बनाती है, लेट अस से ये बनाती है आपका 60 डिग्री, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, अब ये बताओ कहाँ से पास हो रही है ये लाइन, कहाँ से पास हो रही है, ये हो रही है पास एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट से। एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 2 और वाई नॉट की वैल्यू क्या है 3, और थीटा क्या है यहाँ, थीटा है आपका यहाँ 60 डिग्री, ठीक है। तो टैन 60 कितना हो जाएगा, टैन 60 हो जाएगा आपका √3। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी आपकी ये जो लाइन है, सपोज इसका नाम हमने L1 रख दिया, तो इक्वेशन ऑफ लाइन L1 इज गिवन बाय, हाँ भाई, y माइनस y नॉट इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x नॉट, ठीक है। तो y माइनस y नॉट की जगह आप क्या रखोगे 3, ठीक है, इज इक्वल्स टू m। स्लोप कितना है, टैन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। तो m की वैल्यू कितनी आई है, टेन 60 √3 आ गई, तो m की जगह हमने √3 रखा। x माइनस x नॉट, x नॉट कितना है 2 है। अब बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी आएगा x और y के टर्म में, ठीक है। तो यही क्या होगा हमारा, एक इक्वेशन बना लेंगे, यही हमारी इक्वेशन ऑफ द लाइन होगी। तो इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ द लाइन बनाते हैं। तो अब थोड़ा सा आपको फील हुआ होगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब हम आपको थोड़ा सा फील कराते हैं। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे इस कर्व की इक्वेशन आपको दी, कर्व का जो फंक्शन है ये दिया हो गया था, मान लीजिए लेट अस से ये दिया गया था एक्स स्क्वायर प्लस 2, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 2x + 3 दिया गया था, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट थे लेट अस से 2.3 मान लो, अरे कुछ भी मान लो यार, ठीक है। तो हमको क्या बोला गया, हमको बोला गया क्या कि ध्यान से चेक करिए, हमको बोला गया कि इस टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, इस टेंजेंट की इक्वेशन बताओ। टेंजेंट भी तो क्या है, लाइन ही तो है, यानी कि इस लाइन की अगर आपको इक्वेशन बतानी है, तो इस बार आपको थीटा नहीं दिया है उन्होंने, बल्कि ये दिया है कि टेंजेंट कहां से पास कर रही है 2.3 से। और ध्यान रहे, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ये टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है और कर्व पे भी, ध्यान से चेक करो, ये कॉमन पॉइंट है दोनों के लिए, टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है और कर्व पे भी लाई कर रहा है। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाना चाहूं कि y माइनस y नॉट इज इक्वल्स टू m x माइनस x नॉट, भाई इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होगा यहां पर, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट t1 कैसे दोगे भाई, है तो ये स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन वाला फॉर्मूला होता है वही तो लगेगा यहां। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास ध्यान से चेक करिए, x नॉट y नॉट तो है, ये x नॉट है और ये क्या है y नॉट है, बट मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास एंगल नहीं है। तो आप tan थीटा तो निकाल ही नहीं सकते हो, और जब tan थीटा नहीं निकाल पाओगे तो स्लोप नहीं मिलेगा, यानी कि m आप नहीं निकाल सकते हो। लेकिन अभी भी मैंने बताया था क्या कि m को एक और तरीके से निकाला जा सकता है, कैसे, dy by dx से। तो let y is equals to क्या है हमारे पास, x square plus 2x plus 3, ठीक है। इसी को आप क्या बोल सकते थे, इसी को आप f of x भी बोल सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, यानी कि f dash of x का ही मतलब होता है डेरिवेटिव निकालना, यानी कि dy by dx निकालना। तो dy by dx is equals to x square का डेरिवेटिव 2x आता, 2x का डेरिवेटिव 2 आता, 3 का आता 0। लेकिन हमने आपको क्या बताया था कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट x नॉट कॉमा y नॉट इज गिवन बाय, ये जो dy by dx आंसर आएगा इसमें आपको x नॉट y नॉट की वैल्यू रखनी, मतलब जहां जहां x आ रहा है वहां वहां x नॉट रखना है, जहां जहां y आ रहा है वहां वहां y नॉट रखना है। तो ये यहाँ तो y आता ही नहीं है, तो आप केवल किसकी वैल्यू रखोगे, x नॉट की, बस यही रीजन है। हमने यहाँ क्या लिखा था, f डैश ऑफ x नॉट, f डैश ऑफ x एट x नॉट, f डैश ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू व्हाट, x नॉट, मतलब x की वैल्यू क्या रखनी है, x नॉट, ठीक है। तो f डैश ऑफ x एट x इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, कहाँ से पास कर रही है टेंजेंट 2.3 से, तो x नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो x इज इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, x नॉट पुट करना था, x नॉट की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू व्हाट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, dy by dx at where 2.3,
ठीक है, अरे 2.3 लिख दिया तो क्या हुआ यार, वाई का टर्म है ही नहीं यहाँ, तो रखोगे कहाँ, कोई बात नहीं, एक्स की वैल्यू रखो बस, 2 × x की वैल्यू 2 + 2, तो कितना गया 2 × 4 = 6 आ गया। ठीक है, तो आपका जो m है वो कितना आ गया, स्लोप कितना आ गया, 6 आ गया। अब इक्वेशन निकाल लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है, y − y0 = m x − x0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका y − y0 की वैल्यू कितनी है, 3 है, इज इक्वल्स टू, स्लोप कितना निकाला है हमने, 6 निकाला है, तो m की जगह हमने 6 रखा, x − x0, x कोऑर्डिनेट कितना है, 2 है। ठीक है, तो बस इसको सॉल्व कर लेंगे, यही क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। तो इस तरीके से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई, यानी कि अगर हम आपसे बात करें तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी, तो अभी देखा है स्टूडेंट आपने, इस टेंजेंट की हमने इक्वेशन निकाली। ठीक है, तो अब हम क्या नहीं बोल सकते कि टेंजेंट की इक्वेशन इस फॉर्मूले से दी जा सकती है, किस फॉर्मूले से, ध्यान से चेक करिए, y − y0, सुनो, टेंजेंट कहाँ से पास कर रहा होगा, x0, y0, यानी कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है वो x0, y0 है। ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया होगा, या तो हम सर्च करेंगे, देख लेंगे वो सब बाद में। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट भी एक लाइन है, तो भाई इसकी इक्वेशन कैसे दोगे, इसी फॉर्मूले से तो दोगे क्या, y − y0। देखिए हमने यहाँ लिखा है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व कौन सा है, y = f(x), तो इसकी इक्वेशन ये रही, कैसे, y − y0 = हाँ भाई, स्लोप कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन की हेल्प से, यानी कि स्लोप हम निकालते थे कैसे, कि f′(x) = x0, इसी बात को क्या कैसे लिख सकते हो आप, f′(x0), मतलब इस फंक्शन में, कौन से फंक्शन में, f′(x) में, अरे भाई ये भी तो x का फंक्शन होता है यार। ठीक है, तो f′(x) में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, x0, तो यही क्या होता है, dy/dx @x0, y0, और यही तो स्लोप होता है, तो स्लोप की जगह हमने क्या रखा, f′(x0), और फिर वही आपका कॉपी कर दिया, x − x0। अब बात करते हैं क्या, कि अगर इस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रॉ करें, ठीक है, नॉर्मल क्या होती है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास करे और टेंजेंट पे क्या करे, परपेंडिकुलर बनाए, तो ये आपकी क्या है, नॉर्मल है। तो अगर हम आपसे पूछें कि भाई नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकलेगी, तो आप मेरे को एक बात बोलोगे कि नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से चेक करो, नॉर्मल भी क्या है, नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन ही तो है, तो नॉर्मल की इक्वेशन भी इसी फॉर्मूले से दी जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम का विषय यह है कि नॉर्मल का तो स्लोप ही नहीं पता है भाई, नॉर्मल कौन से पॉइंट से पास हो रही है ये तो आपको पता है, चेक करो, इसी पॉइंट P से तो नॉर्मल भी पास हो रही है, यानी कि नॉर्मल एक पॉइंट से पास कर रही है, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है, यानी कि आपको x0, y0 तो मिल गया। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला किसके लिए होता था, एक ऐसी लाइन जो कहां से पास करे, एक पॉइंट से, और जिसका क्या पता हो, हैविंग फाइनाइट स्लोप, जिसका कुछ ना कुछ निश्चित स्लोप हो, उसकी इक्वेशन है। तो अब आप नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो देखिए बच्चों बहुत इजी है, मैं आपको बताऊं एक कॉन्सेप्ट, क्लास 11th का, बहुत सारे बच्चों को तो पता भी होगा, हंसी भी आ रही होगी, ये सब बेसिक क्यों बता रहे हैं, ठीक है, पर जरूरी है क्योंकि सब बच्चों को कवर करना होता है। सुनो बच्चों, देखो अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होती थी, ठीक है, दो लाइंस अगर आपस में परपेंडिकुलर होती थी, सपोज ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है, ठीक है, L2, और लाइन L1 का जो स्लोप है वो M1 से हमने दिखाया है, और लाइन L2 का जो स्लोप है वो अगर हमने M2 से दिखाया है, ठीक है, और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती थी, तो लाइन L1, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो लाइन L1 और लाइन L2 के स्लोप में जो रिलेशन होता था वो होता था m1 × m2 = −1। अब यहाँ पे आप ध्यान से अगर चेक करें स्टूडेंट्स, तो टेंजेंट क्या है आपकी, लाइन L1 है, और नॉर्मल क्या है आपकी, लाइन L2 है, ठीक है। टेंजेंट 1 का स्लोप, T1 का स्लोप अभी, टेंजेंट का स्लोप अभी आपने निकाला था, कितना आया था, 6 आया था, जब हमने टेंजेंट की इक्वेशन निकाल के दिखाई थी, यानी कि M1 कितना है, 6, तो M2 आप कैसे निकालोगे, ठीक है, M2 आप कैसे निकालोगे, M2 इज द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, इस फॉर्मूले से निकाल लो, m1 × m2, भाई दोनों आपस में परपेंडिकुलर है ना, L1 और L2, तो ये वाला फॉर्मूला लग सकता है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन m1 × m2 = −1, सो वी कैन फाइंड व्हाट, m2, तो हम m2 यहां से निकाल सकते हैं, m2 क्या है, नॉर्मल का स्लोप, तो m2 = −1/m1, ये m1 यहां डिवाइड में चला जाएगा, तो m2 = −1/m1 कितना आया था, 6। इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, हमने नॉर्मल लाइन का स्लोप निकाल लिया। ठीक, अब बस कुछ नहीं करना है, अब आप इक्वेशन कैसे निकालेंगे, आप इक्वेशन इस तरीके से निकालेंगे, किसकी, नॉर्मल की, तो यहां पे देखिए जरा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस तरीके से निकालोगे, y − y0 की जगह क्या रखोगे, 3, ओके, = स्लोप ऑफ द नॉर्मल, कितना है स्लोप ऑफ द नॉर्मल, −1/6 रख दिया यहाँ पर, इन द ब्रैकेट x − x0 क्या है आपका, 2 है, करेक्ट। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे, x और y में की हेल्प से एक इक्वेशन आएगी, ठीक है, और वो इक्वेशन किसको दिखाएगी, इस नॉर्मल को दिखाएगी। ठीक है, अब सुनो अगर आपको देखिए,
समझिए जरा बात को, क्या अभी आपने टेंजेंट का स्लोप कैसे निकाला था बताओ? टेंजेंट का स्लोप भाई m1 इंटू m2 क्या होगा, माइनस वन होगा। m1 किसका स्लोप है? टेंजेंट का। और टेंजेंट का स्लोप आप कैसे निकालते थे? आप निकालते थे टेंजेंट का स्लोप f' ऑफ x0 से। तो f' ऑफ x0, m1 की वैल्यू क्या है? f' ऑफ x0 इंटू m2। अब आप निकाल लो तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस वन। और ये कहाँ चलेगा? नीचे। तो m2 इज इक्वल्स टू व्हाट? माइनस वन अपॉन ये f' x0 नीचे चला जाएगा। तो देखिए ये क्या आ गया आपका, ये आ गया स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गया। तो अगर आप फॉर्मूला बनाना चाहो किसका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू fx का, तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा? y इज इक्वल टू y0 और स्लोप किसका? नॉर्मल का। तो नॉर्मल का स्लोप कैसा आया? माइनस वन अपॉन f' x0 आया है। इसलिए हमने यहाँ स्लोप की जगह क्या रखा? माइनस वन अपॉन f' x0 और फिर क्या? x माइनस x0। तो इस तरीके से हम इक्वेशन निकालते हैं किसकी? नॉर्मल की और टेंजेंट की। इतनी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, ये दो पॉइंट आपको नोट करने हैं। कहता है कि इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज जीरो, इसका क्या मतलब है? स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज जीरो का मतलब, आप केस देखिए जरा, ये केस वन हम आपको दिखा रहे हैं। मान लीजिए कि कोई कर्व इस तरीके से, ये देखिए, अब जरूरी नहीं कि कर्व ऐसा ही हो, ये बार बार मैं ले रहा हूँ, थोड़ा सा ईजी कर्व है ना, तो आराम से समझ में आ जाता है, ठीक है। कर्व कैसा भी हो सकता है वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए बच्चों, इस कर्व के अगर इस पॉइंट पे, ठीक है, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ध्यान से चेक करिए, ये आपका एक्स एक्सिस है, तो ये जो ये y एक्सिस, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट है, सपोज हमने इसको t1 नाम दिया, ये टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं, ये बताओ। और कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप कितना होता है? उसका स्लोप जीरो होता है। सब बच्चे अपने कॉपी में नोट लगाएं क्या, कि कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप कितना होता है? जीरो होता है, ठीक है। तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। स्लोप कितना हो जाएगा इसका? जीरो। क्यों? क्योंकि स्लोप होता क्या है? स्लोप होता है टेन थीटा। और टेन थीटा, थीटा क्या होता है कि ये लाइन जो होती है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, और ये लाइन तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कोई एंगल ही नहीं बना रही है भाई, ये तो इसके पैरेलल है, तो थीटा कितना हो जाएगा? जीरो। तो यानी कि ये हो जाएगा टैन जीरो, और टैन जीरो क्या होता है? जीरो ही तो होता है। इसका मतलब इसका स्लोप क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो याद रखिए क्या, कि अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज जीरो है तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सुनो, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और सुनो, अगर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, तो वो परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस होगी, चेक कर लो, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें हम एक बात और नोट कर सकते हैं क्या, कि और टेंजेंट इज परपेंडिकुलर का साइन बनाया मैंने यहाँ, परपेंडिकुलर टू व्हाट? वाई एक्सिस। तो सभी बच्चे कॉपी में नोट लगाएं, आपको एग्जाम में चाहे ये बोले कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज जीरो, चाहे आपको बोले कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और चाहे बोले टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तो उस टाइम आपकी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी वो रिड्यूस हो जाएगी वाई इज इक्वल टू वाई नॉट में, ठीक है। और ये पास कहां से कर रहा है? एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट से। कैसे रिड्यूस हो जाएगी? ध्यान चेक करो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाला फॉर्मुला देखो, ठीक है, क्या होता है बताओ? ये होता है वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, यहाँ पर क्या रखना है हमको? स्लोप रखना है, और स्लोप इसका कितना है? जीरो है। स्लोप इसका कितना है? जीरो है। यानी कि f' ऑफ x0 कितना हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ हमने जीरो रखा, फिर x माइनस x0, हाँ भाई, जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो y माइनस y0 इज इक्वल्स टू जीरो, तो y0 को उधर भेज दो, तो y इज इक्वल्स टू y0 इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस, और टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज जीरो। ये तो रहा पहला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरे कॉन्सेप्ट को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, और वो चीज़ ये है कि सब बच्चे अपनी कॉपी में नोट लगाएंगे कि 1/0 को हम क्या लेंगे? इन्फिनिटी। 1/0 इज नॉट डिफाइंड, और 1/∞ को हम क्या लेंगे? जीरो लेंगे। ये आप नोट कर लीजिए अपने, 1/0 नॉट डिफाइंड, और 1/0 मतलब 1/∞ जीरो। बात समझ में आई? ठीक है, चलो। और एक चीज़ और कि tan 90 कितना होता है? tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड होता है, इतना तो पता होना चाहिए ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में। अब देखो, एक कर्व हम आपको दिखा रहे हैं फिर से, और ये कर्व है कुछ इस तरीके का, ये देखिए, ये कर्व इस तरीके का है, ठीक। और ये हो गया आपका y डैश x डैश। ध्यान से चेक करिए इस कर्व के इस पॉइंट पे, ठीक है। अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करें तो इस टेंजेंट की स्थिति क्या है? इसका नाम हमने टेंजेंट का t1 रखा। और ये टेंजेंट जो है, इसकी खासियत है क्या कि ये y एक्सिस के पैरेलल है, चेक करो, ये y एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। और दूसरी खासियत ये है कि ये x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 90 डिग्री बना रही है, अरे ये x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है ना, तो ये x एक्सिस की, भाई कभी ये ऐसे करके पड़ी थी, अब ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम गई, कितना? 90 डिग्री। यानी कि थीटा की वैल्यू क्या है? 90। यानी कि tan थीटा कितना आ जाएगा? नॉट डिफाइंड। यानी कि स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट इज m कितना आ गया इसका? नॉट डिफाइंड। यानी कि अगर हम बोलें तो इसका f' ऑफ x0 कितना आ गया? नॉट डिफाइंड।
ठीक है, यानी कि यहां पर आ गया एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, जो कि स्लोप है, जो कि क्या है, टेंजेंट का स्लोप है, कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट पे। तो ये जो स्लोप आ गया वो क्या आ गया, नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड को हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि इस एफ डैश ऑफ एक्स नॉट जो कि स्लोप है इस टेंजेंट का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पर। हाँ भाई, अभी हमने क्या बताया था कि नॉट डिफाइंड को आप क्या लिख सकते हैं, 1/0, तो इसको हम क्या लिख सकते थे, 1/0। इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या बन जाएगी, ध्यान से चेक करिए, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या बन जाएगी, आइए जरा चेक करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मेरा, y माइनस y नॉट इज इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, इसकी जगह क्या रखना है आपको, 1/0 रखना है, तो यहाँ पर हम 1/0 रखेंगे इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, आपको अजीब सा लगेगा बट ऐसा ही करना है, ठीक है, जीरो जाएगा इधर मल्टीप्लाई करेगा, और जो नीचे होता है, मान लो नीचे 2 होता तो 2 इसमें नहीं मल्टीप्लाई करता क्रॉस, ठीक है, तो अभी तो 0 है तो 0 इधर आके मल्टीप्लाई करके इस पूरे क्वांटिटी को क्या कर देगा, 0, यानी कि दिस इंप्लाइज व्हाट, 0 इंटू वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू, ध्यान दें जरा, अब 0 तो इधर चला गया तो क्या बचा, 1 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, 1 इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, तो क्या हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग, 0 आ गया इज इक्वल्स टू 1 इंटू समथिंग, यही आ जाएगा, यानी कि एक्स माइनस एक्स नॉट। अब एक्स नॉट को इधर भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, एक्स नॉट। तो बात समझ में ही क्या, कि दूसरा पॉइंट है हमारा, इफ द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस दैट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, मतलब कुछ भी बोले एग्जाम में कि टेंजेंट एक्स एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब एक्स एक्सिस से 90 डिग्री बना रही है, या आपको बोला जाए कि टेंजेंट वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है, तो बात क्या होती है, सेम होती है, और उस टाइम द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट होती है वो एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी ड्राइव, ये याद थोड़ी ना करके जाओगे आप हमेशा, आपको ड्राइव करना आना चाहिए जैसे मैंने किया, बिकॉज क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो ये सारे कुछ कॉन्सेप्ट हो गए, अब हम बढ़ते हैं अपने एनसीईआरटी एग्जांपल्स की तरफ, और भी कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, जैसे जैसे आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा, पहले इतना कर लीजिए आप नोट। लेते हैं एग्जांपल नंबर 14 एनसीईआरटी का, ओके, और ब्लू मार्कर से आपको काम चलाना पड़ेगा। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y = x³ - x एट x = 2, ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्लोप निकालना है किसका, टेंजेंट का, ये टेंजेंट कौन से कर्व पे, y = x³ - x पे, ठीक है, कहाँ पर निकालना है, एट x = 2। सुनो बच्चों, बस मैंने आपको फील कराने के लिए मैंने ये ग्राफ बनाया हुआ है, असली में इसका ग्राफ ऐसा ही होगा, ये क्यूबिक पॉलीनोमियल है, क्या आपको ग्राफ बनाना है, नहीं 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 नहीं, आपको ग्राफ नहीं, आपको ग्राफ नहीं बनाना, आपको तो सिंपल क्या करना है, स्लोप कैसे निकालते थे बताओ, इस फंक्शन का ये जो y = f of x दिया है, जो भी दिया है, इसका डेरिवेटिव निकाल लो, और उसमें जहां जहां x आ रहा है वहां वहां क्या रख दो, 2 रख दो। फिर भी मैंने आपको विजुलाइज कराने के लिए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो मैंने ये ग्राफ जानबूझ के बना के रखा हुआ है। तो सोचो अगर x 2 होगा तो y कितना होगा, यहां से चेक करो, y कितना होगा, x का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब 8, 8 माइनस 2 6 होगा, y कितना होगा, 6 होगा, ठीक है, तो यानी कि कौन से पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी जा रही होगी, x नॉट कॉमा वाई नॉट का मतलब क्या, x नॉट की वैल्यू कितनी है, 2, और y नॉट की वैल्यू कितनी, यानी कि 2.6 पे, तो 2.6 यहाँ कहीं आता होगा, सोचो ना, ये डार 2 और y एक्सिस पे 6 यहाँ कहीं आता होगा यार, सोच लो, ठीक है, तो इस पॉइंट 2.6 पे जो टेंजेंट ड्रॉ करी जाती होगी ना इस कर्व पे, ये, और ये कर्व किसका है स्टूडेंट्स, ये कर्व है आपका y इज इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस एक्स का कर्व है, ठीक है, तो ये जो टेंजेंट ड्रॉ करी इसका आपको क्या बताना है, इसका आपको स्लोप बताना है, यानी कि इसका आपको क्या बताना है, टेन थीटा, और मैंने क्या बताया था, टेन थीटा कैसे नहीं पता कर सकते हो आप, थीटा तो पता नहीं है, तो इसका स्लोप हम कैसे पता करेंगे, डी वाई वाई डी एक्स निकाल के कहाँ पर, एट दिस पॉइंट, यानी कि एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। अब हम बोल तो देते हैं कि एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, यानी कि एट 2.6, बट हमको जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो उसमें y आएगा ही नहीं, तो y की वैल्यू कहाँ से रखोगे, x आएगा तो x की वैल्यू रखनी बस। अब बच्चे बोलेंगे आपने y क्यों निकाल लिया, अरे विजुलाइज कराने के लिए निकाला है यार तुमको, ठीक है, y निकालने की आपको जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन तो सिंपल सा ऐसा करना है, मैंने y इसलिए निकाला ताकि तुम्हें फील हो कि 2.6 से टेंजेंट कैसे करके जा रही थी, और उसने ये एंगल बनाया तो उसका स्लोप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इतना है, इतना का मतलब आओ जरा देखें कितना है, ठीक है, तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे व्हाट, हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, अब डेरिवेटिव तो सबको निकालना आता है, ठीक है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो, एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा, 3x², और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नाउ स्लोप कैसे दिया जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, हाँ भाई कौन से पॉइंट पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, अब हमने वाई की बात नहीं करी यार, ठीक है, क्योंकि यहाँ y का टर्म नहीं आ रहा है, ठीक है ना, तो एट x = 2 आप समझ जाइएगा, जब x 2 है तो y कितना है, 6 है, तो विजुलाइज मैंने तुमको करा दिया, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x = 2 इज गिवन बाय डी वाई बाय डी एक्स एट x = 2, तो डी वाई बाय डी एक्स जो आया था उसमें आप जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप क्या रखोगे, 2 रखोगे, यानी कि x का स्क्वायर था यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर और माइनस 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 थ्री 12, 12 माइनस 1 11 आ गया,
ठीक है, यानी कि अगर आप चाहो तो tan थीटा इज इक्वल टू 11 ऐसे करके इमेजिन करके, और थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। जाओ अपने कैलकुलेटर से एक काम करो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 11 निकाल लो कैलकुलेटर है, tan इनवर्स ऑफ 11 निकाल, आपको निकालना नहीं यार, फील करा रहा हूँ। तो आपको थीटा पता चल जाएगा, यानी कि ये पता चल जाएगा कि ये जो टेंजेंट है ये पॉजिटिव एक्सिस से कितना डिग्री एंगल बना रही है। आपका आंसर तो यहीं पे खत्म हो गया। आप एनसीईआरटी में देखिएगा कि स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 2 इज 11। ओके कर लीजिए, स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल टू रूट ओवर 4x माइनस 3 माइनस 1 हैज इट्स स्लोप 2/3। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब समझो ना, पता है देखो ये एक आपको कर्व का एक ये फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका कर्व होगा समवन लाइक दिस। अब देखो आपको क्या असली में कर्व बनाना है, नहीं असली में कर्व नहीं बनाना है आपको, आपको कोई भी ऐसे रफ में कर्व बना लेना है और आपको सिचुएशन विजुलाइज करनी है, ठीक है। तो सपोज कोई कर्व है, कुछ भी बना लो, लेट अस से ऐसा कोई कर्व है, ठीक है। अब ये इसका असली कर्व नहीं है और ना आपको बनाना है, ठीक है। तो कह रहा है कि वो वाला पॉइंट बताओ, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व। देखो ये भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी एक टेंजेंट होगी, ये भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी टेंजेंट होगी, ये भी एक पॉइंट है, यहाँ पे भी टेंजेंट होगी, और हर टेंजेंट का अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो स्लोप अलग अलग होगा। ये चेक, हर टेंजेंट का स्लोप अलग अलग होगा, लेकिन आपको वो वाला पॉइंट बताना है जिस पॉइंट पे टेंजेंट का जो स्लोप है ना वो कितना है 2/3। मतलब आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट की जानकारी देनी है, ठीक है। तो सपोज वो पॉइंट ये रहा और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने क्या अज्यूम कर लिए, x नॉट कॉमा y नॉट, ठीक है। तो लेट द, तुमको ब्लू मार्कर से ही काम चलाना पड़ेगा, ब्लैक इंक खत्म हो गई, वो मैं रिकॉर्डिंग के बाद चेक करूंगा कहाँ रखी हुई, ठीक है। लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट एट विच लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। हमने माना कि जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो क्या है, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है, वेयर मतलब जहाँ पर द टेंजेंट, वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, वेयर द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज 2/3, ठीक है। तो ये आपको स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब आपको क्या दिया हुआ है, आपको गिवन है, ध्यान से चेक करिए, आपको गिवन है, क्या गिवन है आपको, आपको गिवन है dy/dx at x0, y0 गिवन है आपको कितना, यही तो क्या होता था स्लोप होता था, और ये स्लोप कितना दिया हुआ है 2/3। बात समझ में, सुनो एक तो इन्होंने दिया है आपको स्लोप और आप निकाल लो, दोनों का आपस में इक्वल कर दो। सपोज इसको इक्वेशन नंबर 1 हमने अज्यूम कर लिया, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द स्लोप। तो आपका वाई क्या है, आपका वाई है रूट ओवर 4x माइनस 3 और माइनस 1 रूट के बाहर है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dx ऑफ दिस होल थिंग, यानी कि dy/dx ऑफ 4x माइनस 3 और माइनस 1 का डेरिवेटिव करोगे 0 आ जाएगा। अब सुनो इसका डेरिवेटिव करना आता है, हाँ रूट एक्स का पता है ना क्या होता है, dy/dx ऑफ रूट एक्स क्या होता है 1/2√x, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2√, यहाँ पे अंदर x आता था लेकिन अंदर यहाँ जो कुछ भी उसको कॉपी कर दो, यानी कि 4x माइनस 3 इंटू अब अंदर का कर लो, यानी कि इंटू dy/dx ऑफ 4x माइनस 3, पहले पूरे का किया फिर अंदर का किया, ठीक है। तो हो जाएगा 1/2√ 4x माइनस 3 इंटू 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, और 3 का हो जाएगा 0, उससे मैं मतलब नहीं है। फिर उसके बाद 2 × 2 = 4, यानी कि आपका आ गया 2/√ 4x - 3, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए क्या dy/dx एट x इज इक्वल्स टू dy/dx एट x0, y0, ठीक है। तो एट x0, y0 अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा, अब हमारे पास आ जाएगा 2/√ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे x0, y तो है ही नहीं इसमें, तो y0 तो रखना नहीं पड़ेगा, यानी कि 4 × x0 - 3, और यही x0 आपको निकालना था, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं, तो समझिए जरा बात को, क्या ये इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है, इतना कॉपी कर लीजिए। अब ध्यान से चेक करिए, एक स्लोप तो उन्होंने मुझे दिया था और मैंने भी तो स्लोप ही निकाला है, कहाँ x0, y0 पे, उन्होंने x0, y0 पे स्लोप दिया था, मैंने निकाल लिया, तो क्या ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, हैं तो ये स्लोप ही किसका, टेंजेंट का, कौन से पॉइंट पे, x0, y0 पे, एक उन्होंने दिया था एक मैंने निकाल लिया, तो है तो स्लोप ही ना, है तो स्लोप ही x0, y0 पे टेंजेंट का, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो 2/3 इज इक्वल्स टू व्हाट,
टू अपॉन रूट ओवर फोर इंटू एक्स नॉट माइनस थ्री, टू से टू गया, यहाँ क्या हो जाएगा वन अपॉन थ्री इज इक्वल्स टू वन अपॉन रूट ओवर फोर एक्स नॉट माइनस थ्री। नाउ टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो वन अपॉन थ्री पलट जाएगा, थ्री अपॉन वन यानी कि थ्री हो जाएगा, इसको भी रेसिप्रोकल कर दो तो ये स्क्वायर रूट ऑफ फोर एक्स नॉट माइनस थ्री। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर क्या हो जाएगा नाइन इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर, स्क्वायर रूट को हटा देगा तो क्या हो जाएगा फोर एक्स नॉट माइनस थ्री, थ्री को इधर लेके जाओगे तो नाइन माइनस थ्री क्या हो जाएगा ट्वेल्व, ट्वेल्व इज इक्वल्स टू फोर एक्स नॉट, एक्स नॉट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ट्वेल्व अपॉन फोर, यानी कि एक्स नॉट जो हो गया वो क्या आ गया आपका ट्वेल्व अपॉन फोर हो गया, फोर वन जा फोर थ्री जा, यानी कि एक्स नॉट की वैल्यू क्या आ गई थ्री आ गई, यानी कि आपका जो पॉइंट था बच्चों, पॉइंट में दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो आपको मिल चुका कितना है ये थ्री। अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है ना ये कॉमन है किसके लिए टेंजेंट के लिए भी और कर्व के लिए भी, क्योंकि ये पॉइंट टेंजेंट पे भी लाई करता है कर्व पे भी लाई करता है, इसलिए ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, बात समझ रहे हो, ये जो कर्व की इक्वेशन है इसको ये एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करने का मतलब समझिए सुनो, ये कर्व जिस जिस पॉइंट से होके जा रहा है, ये कर्व जिस जिस पॉइंट से होके जा रहा है वो पॉइंट इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो एक पॉइंट उनमें से ये भी तो है, तो इसको उठा के कर्व की इक्वेशन में रख दीजिए तो आपके पास वाई नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं किस तरीके से रखते हैं हम, चलो सबसे पहले हम लिखेंगे, अभी शुरुआत में मैं लैंग्वेज आएंगे लिख दे रहा हूँ, फिर मैं बाद में लिखना छोड़ दूंगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा क्या क्या बातें लिखी जाती है। सिंस एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट लाई ऑन ऑन द कर्व, लाई ऑन द कर्व, ऑन द कर्व वाई इज इक्वल्स टू रूट ओवर फोर एक्स माइनस थ्री माइनस वन, हेंस हेंस एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट विल सेटिस्फाई इट, विल सेटिस्फाई इट, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x नॉट, जहाँ जहाँ y वहाँ वहाँ y नॉट रख देंगे, तो y की जगह y नॉट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 4 इंटू एक्स नॉट माइनस थ्री माइनस वन। अब x नॉट की वैल्यू क्या निकाली थी आपने 3, तो यहाँ रख दीजिए तो 4 इंटू थ्री ये आ गया 12, 4 से 12, 12 माइनस थ्री 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, ठीक है, माइनस 1, तो y नॉट आपका कितना आ गया, y नॉट आ गया आपका 3 माइनस 1 2, यानी कि वो वाला पॉइंट जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट कर्व को टच करके जा रही थी उसका वाई नॉट भी यानी कि वाई कोऑर्डिनेट भी मिल चुका है 3.2। तो हम क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड पॉइंट इज व्हाट 3.2 वेयर द टेंजेंट टू द कर्व वाई इज इक्वल टू रूट ओवर 4x माइनस 3 माइनस 1 हैज इट्स स्लोप 2/3, ऐसे करके हम आंसर देंगे, कर लीजिए। स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में सबसे पहले जो कर्व की इक्वेशन दी है वो क्या दी, वाई प्लस 2/x-3, तो इसको हम सबसे पहले थोड़ा सा सुधार लेते हैं क्या सॉल्यूशन में, देखिए पढ़ लेंगे भी हम बाद में, इसको पूरे को आप राइट में भेज दो, जब इसको राइट में भेजोगे तो पॉजिटिव वाला साइन कैसा हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव ऑफ 2/x-3। चलो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, प्लीज ध्यान दें फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, उन सभी लाइंस की इक्वेशन बतानी है हैविंग स्लोप 2, जिनका स्लोप क्या हो 2 एंड बींग टेंजेंट टू द कर्व दिस, जो इस पर टेंजेंट हो, ठीक है, और जिनका स्लोप क्या हो 2 हो। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, यानी कि एक तरीके से आपसे वो क्या पूछना चाहता है, वो ये पूछना चाहता है कि इस कर्व पे जितनी भी टेंजेंट्स हैं जिनका स्लोप कितना है, जिनका स्लोप कितना है 2 है, उनकी आपको इक्वेशन बतानी है। अब सिंपल बात हो, सिंपल शब्दों में सुनो, टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है, बात खत्म बस, ठीक है। अभी मैं आपको विजुलाइज कराऊंगा, ये ग्राफ मैंने जानबूझ के और असली ग्राफ बनाया है इस बार, नकली ग्राफ नहीं बनाया है, ठीक है। तो ये असली ग्राफ इस फंक्शन का मैंने बनाया है, किसका, वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2/x-3, क्या आपको बनाना है एग्जाम में, नहीं आपको नहीं बनाना है, विजुलाइज कराने के लिए मैंने आपको बताया है। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बात समझिए, आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, तो भाई यही तो फॉर्मूला होता है क्या, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट, एट पॉइंट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, ठीक है। तो सपोज आपकी अप्रोच ऐसे रहेगी एग्जाम में कि हाँ भाई कोई कर्व है, ठीक है, कोई कर्व है और कर्व की बस एक टेंजेंट के बारे में आप सोचो, इसके बारे में, तो सपोज इस पॉइंट जहाँ पे टेंजेंट टच करके आ रही है उसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है, या आप एक्स वन वाई वन भी इसको बोल सकते हो, ठीक है, बात समझ में ही कि नहीं आई, ठीक है। तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, पॉइंट तो है नहीं आपके पास, स्लोप तो दिया है उन्होंने, स्लोप कितना है 2 है, स्लोप कितना है 2 है, तो अगर हम फॉर्मूला लगाने जाएं यहाँ पर तो हम फंस जाएंगे और हमको x नॉट कॉमा वाई नॉट नहीं पता होगा, तो इसको हम कैसे निकाल लें, ठीक है। अब एक काम करते हैं, समझो जरा, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इस कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया, यानी कि dy/dx = हाँ भाई -2 तो क्या है
देखो इसका डेरिवेटिव आप कैसे करोगे बताओ, इसका डेरिवेटिव मैं बता रहा हूँ कैसे करो। देखो माइनस को आगे लगे रहने दो, सही है, और थोड़ा सा इसको सुधार लो पहले। आप यहाँ पर एक काम करो, y इज इक्वल्स टू माइनस को आगे लगे रहने दो और टू इन टू क्या करोगे, ये x माइनस थ्री की होल पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस थ्री की होल पावर माइनस 1, ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। अब अगर हम इसमें डिफ्रेंशिएट करें तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस 2 तो कॉन्स्टेंट ऐसे ही रहेगा, तो dy बाई dx ऑफ इसका डेरिवेटिव आपको करना पड़ेगा किसका, x माइनस थ्री की पावर माइनस 1 का। अब इसका डेरिवेटिव कैसे करोगे, इसका पहले पूरे का करेंगे फिर अंदर का करेंगे। जब पूरे का करोगे यानी कि x की पावर n वाला रूल लगाओगे तो ये n आगे कहाँ जाएगा, ये n कहाँ आ जाएगा आगे, तो माइनस 1 आगे आके माइनस 2 मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर में एक माइनस कर देंगे यानी कि x माइनस 3 की पावर माइनस 1 तो था उसमें माइनस 1 और कर देंगे इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ, अब अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे यानी कि x माइनस 3, और अगर आप चाहते तो कोशेंट रूल भी लगा लेते हैं, जैसे करना है वैसे कर लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 3 की पावर माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 और माइनस 3, 3 का 0 तो 1 माइनस 0 1 आ जाता है जिसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आप फर्दर क्या लिख लेते हैं, इसको आप लिख लेते 2 अपॉन ये जाएगा नीचे यानी कि एक्स माइनस 3 की पावर माइनस 2, माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 2, तो 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आ गया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट टेंजेंट की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी, फर्स्ट टेंजेंट की। तो सपोज जो फर्स्ट टेंजेंट है वो कहाँ से पास करती, फर्स्ट टेंजेंट या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट फॉर फर्स्ट टेंजेंट, जो फर्स्ट टेंजेंट होगी यानी कि फर्स्ट जो फर्स्ट लाइन होगी सपोज वो कर्व को कहाँ टच करती है, एक्स वन कॉमा वाई वन पे, ठीक है। तो समझिए ज़रा बात को, क्या कि स्लोप हम कैसे देंगे, हम स्लोप कैसे देंगे, हम स्लोप देंगे कैसे, डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन से, यानी कि ये जो हमारा आंसर आया है जो डेरिवेटिव आया है इसमें हम एक्स की जगह क्या रख देंगे, एक्स वन, वाई तो है ही नहीं इसमें तो रखोगे क्या, ठीक है। तो ये आ गया, बात समझो ज़रा, ठीक। लेकिन उसने क्या बोला था, उसने बोला था क्या कि हैविंग स्लोप टू, सभी लाइंस मतलब लाइंस ऑब्वियसली टेंजेंट होंगी उसमें, तो जो सभी टेंजेंट लाइन उनका स्लोप कितना है 2, तो जो पहली टेंजेंट होगी उसका भी तो स्लोप कितना होगा 2, तो एक तो मैंने स्लोप निकाला और एक उसने दिया, तो दोनों को मैं आमने सामने नहीं रख सकता हूं, बताओ। अरे ये स्लोप मैंने निकाला, ये उसने दिया था, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब यहां से आप x1 की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो बताओ, तो इसका यूज करके आप x1 की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, देखो ये हो जाएगा आपका 2 अपॉन x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, तो यहां से 2 से 2 कटा, उधर 0 मत कर देना, 1 बचेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, 1 अपॉन x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां 1 बचा, ठीक है। नाउ 1 को आप 1 अपॉन 1 लिख सकते हो, फिर टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड कर दो, तो ये हो जाएगा x1 माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन में 1, लिखा नहीं जाएगा, इसको पलट दोगे 1 अपॉन 1 को तो 1 हो जाएगा। अब यहां से स्क्वायर हटाओ तो x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू, प्लीज ध्यान दें, 1 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1, स्क्वायर हटाओगे तो आगे क्या लगाओगे, प्लस माइनस लगाओगे, ठीक है। अरे प्लस माइनस 1, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट नहीं लगाओगे यहाँ, ठीक है, प्लस माइनस 1, ठीक है। ये हो गया, यानी कि एक बार हम क्या कंसीडर करेंगे, एक बार हम x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, प्लस 1 लेंगे, ठीक, और एक बार हम क्या करेंगे, x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 1 लेंगे, एक बार प्लस 1 एक बार माइनस 1, तो यहाँ से x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3 राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, यहाँ से माइनस 3 को राइट में भेजो तो x1 क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा आपका माइनस 3 प्लस माइनस 3 उधर जाएगा पॉजिटिव, तो प्लस 3 माइनस 1 2, ठीक है। तो ये आ गया, यानी कि आपके x1 की दो वैल्यूज आ गई हैं, चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, अगर x1 की दो वैल्यू आ गई हैं तो y1 की भी दो वैल्यू आएंगी, मतलब समझो जरा, समझो एक्चुअल में कि दो टेंजेंट्स है ना, मतलब उसने लाइंस बोला है, ठीक है, तो एक से ज़्यादा टेंजेंट होंगी तो ऑब्वियसली कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पर टच कर रही होंगी। अभी मैं आपको असली केस में बताऊंगा तो क्लियर होगा आपको। अब देखो एक काम करो, क्या कि इतना पहले कॉपी करो, इतना कॉपी कर लो, कर लिया और सुनो, डी वाई बाई डी एक्स कितना आया है इसको आप अलग से नोट कर लो, अभी काम आएगा ये। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आया है आपका वो कितना आया है, वो आया है आपका 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसको 1 बना के छोड़ दो। अब देखो देखो इफ एक्स वन इज इक्वल्स टू, अगर हम एक्स वन कितना लें 4 लें, और इस x1 को कहाँ पुट करें, इस कर्व की इक्वेशन में, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, y1 की, ठीक है। तो ये x1 इसको सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि समझो ना ये पॉइंट किस पे पड़ा हुआ है, कर्व पे पड़ा हुआ है और टेंजेंट पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है।
तो ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू, y की जगह हम y1 कर दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि x1 कॉमा y1 लाई कर रहा है इस कर्व पे, तो x1 कॉमा y1 इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो y1 इज इक्वल्स टू व्हाट, माइनस टू अपॉन x1 की वैल्यू कितनी रखनी, मतलब x की वैल्यू कितनी रखनी, अरे भाई यार समझो ना कुछ बच्चे, तो y की जगह y1 रखा मैंने, x की जगह मैं क्या रखूँगा, x1 रखूँगा। अब x1 कॉमा y1 से इसको सेटिस्फाई कराऊँगा, y1 मुझे निकालना है और x1 मेरा आ चुका है, कितना आ चुका है, ये आ चुका है 4, ये हो गया 9, 4 माइनस 1 सॉरी 4 माइनस 3 1 होता है, तो नीचे आ जाएगा 1, यानी कि आ गया आपका क्या माइनस 2, यानी कि एक कोऑर्डिनेट तो आपको क्या मिला, एक कोऑर्डिनेट तो आपको क्या मिला 4 कॉमा माइनस 2, तो 4 कॉमा माइनस 2। लेकिन अगर हम यहीं पे सोचते क्या कि इफ़ एक्स वन इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्स वन इज इक्वल्स टू 2, तो वाई वन कितना आता, तो वाई वन इज इक्वल्स टू क्या आ जाता, माइनस ऑफ 2 अपॉन एक्स वन की वैल्यू कितनी रखते आप इस बार 2, तो 2 माइनस 3 यानी कि माइनस 2 अपॉन माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल 2 आ जाता, यानी कि दूसरा पॉइंट क्या होता 2 कॉमा 2 होता। ठीक है, तो दूसरा जो एक्स वन कॉमा वाई वन होता है, एक्स वन कॉमा वाई वन एक्चुअल में यार वो नाम मैंने उसका रख दिया, एक होना चाहिए था एक्स वन कॉमा वाई वन, दूसरा एक्स टू कॉमा वाई टू, दो पॉइंट आप फील करो। ठीक है, 2 कॉमा 2, अब सुनो मेरी बात, आओ जरा कर्व पे सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो भैया, एक बात बताओ, ये जो कर्व मैंने बताया बनाया ना एसिम्प्टोटिक कर्व इसको बोलते हैं हम, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काटेगा और यहाँ पे भी एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काटेगा, तो ध्यान से चेक करो 2.2 पे, 2.2 पे टेंजेंट ऐसे आएगी, ब्लू मार्कर से बनाता हूँ, ध्यान से चेक करिएगा 2.2 पे, ये देखिए ये टेंजेंट गई, अरे भाई समझ लेना यार यहाँ टच करके गई है, ये पॉइंट क्या आपका 2.2। ठीक है, तो ये आपकी पहली टेंजेंट है। ठीक है, और इस टेंजेंट के लिए बच्चों ये देखो एंगल कितना है, थीटा डिग्री। ठीक, तो इसका स्लोप कितना होगा, टेन थीटा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब दूसरे वाले मतलब इसी कर्व का, ये जो ब्लैक लाइन से कर्व, इसी कर्व का एक और पोर्शन है जो यहाँ बन रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, ये भी एसिम्प्टोटिक है, ये एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काटेगा, वाई एक्सिस को कहीं नहीं काटेगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 4, -2, ये वाला पॉइंट क्या है 4, -2, ध्यान से चेक करो 4, -2, इस पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट क्या होगी, इस पॉइंट से जाने वाली टेंजेंट ऐसी होगी कि नहीं होगी बताओ। अब ये रही टेंजेंट T1 और ये रही टेंजेंट T2, टेंजेंट T1 कहाँ से पास कर रही, 2.2 से, यही मैंने बताया था ना कि एक से ज़्यादा लाइन से, एक से ज़्यादा टेंजेंट है, और एक टेंजेंट तो 2.2 से पास कर रही और दूसरी कहाँ से पास कर रही, 4, -2 से, चेक करो 4, -2 से पास कर रही। और सुनो भैया दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं, दोनों टेंजेंट पैरेलल हैं, T1 इज पैरेलल टू व्हाट T2, और जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों के स्लोप क्या होते हैं, इक्वली तो होते हैं। इसलिए उसने क्या बोला था क्वेश्चन में कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस हैविंग द स्लोप 2, इसका भी स्लोप कितना है 2, इसका भी स्लोप 2 है, क्योंकि ध्यान से चेक करो ना, ये अगर थीटा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्सिस से, तो भैया ये भी तो थीटा ही बना रहा है, पैरेलल है। ठीक है, दिस पैरेलल टू दिस, दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये इक्वल हो जाएगा, तो दोनों का टैन थीटा इक्वल होगा, दोनों का स्लोप इक्वल होगा, इसलिए दोनों का स्लोप क्या था 2 था। ठीक है, तो ये विजुलाइजेशन करने के लिए हमने ग्राफ आपका बनाया हुआ था। अब तो भैया बड़ा मजा आ गया इसमें, क्या कि हमको पॉइंट पता चल गया टेंजेंट T1 का, हमको पॉइंट पता चल गया टेंजेंट T2 का, यानी कि टेंजेंट T1 के लिए भी हमको क्या पता चल गया x0, y0, और टेंजेंट T2 के लिए भी हमको क्या पता चल गया x0, y0। ठीक है, बस अब हम टेंजेंट T1 की इक्वेशन निकाल लेंगे और टेंजेंट T2 की भी हम इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट T1, T1 की इक्वेशन फॉर्मूला बोलिए, x-x0 इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ध्यान दें क्या, f' ऑफ x0, मतलब इसको मैं अलग से निकाल लेता हूँ, यानी कि dy/dx एट x0 y0, तो पहली टेंजेंट के लिए dy/dx क्या था आपका, आपका 2/(x-3) का होल स्क्वायर था, यही आपको टेंजेंट का क्या देगा, स्लोप देगा, लेकिन शर्त है क्या, आपको x की जगह क्या रखना पड़ेगा 2, तो x की जगह हमने क्या रख दिया यहाँ पर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 2/(2-3-1-1)² 1, यानी कि क्या आ गया स्लोप आ गया कितना 2, तो इस f'(x0) की जगह आप क्या रखोगे, f'(x0) का मतलब f'(2), x की हमने कितना रखा 2, तो स्लोप आ गया फर्स्ट टेंजेंट का जो स्लोप आ गया वो कितना आ गया 2, तो x-x0 इज इक्वल्स टू स्लोप की जगह हमने कितना रखा 2 इन द ब्रैकेट, ओ सॉरी y-y0 इज इक्वल्स टू स्लोप कितना है 2 × x-x0। अब x0 y0 कितना है 2.2, तो x0 की जगह 2 रखिए, तो 2 इन द ब्रैकेट x-x0 की जगह 2 और y-y0 की जगह 2। अब यहाँ से इक्वेशन नहीं निकाल सकते हो, y-2 इज इक्वल्स टू सॉल्व कर लो 2 × x 2x-2 to the 4। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लो कैसे, इस 2 को राइट में भेजो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस, हाँ भाई -4 और +2, माइनस का 2, तो y इज इक्वल्स टू 2x-2, चेक कर लीजिए।
ठीक है, आपकी बुक में यही आ रहा है, लेट मी चेक इट। थोड़ा सा जैसे करना है यार वैसे कर लो। इन्होंने इसको सब इधर भेज दिया है, तो फर्स्ट टेंजेंट का ऐसे आ गया है, 2x को लेफ्ट में ले आए हैं और 2 को भी राइट में ले आए हैं, सॉरी लेफ्ट में ले आए हैं। तो ये इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट टेंजेंट है, y माइनस 2x और प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट टेंजेंट की इक्वेशन है, इसको आप नोट कर लीजिए। इसका मीनिंग समझते हो कि अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, कैसे ग्राफ प्लॉट करें इसका, अगर x और y की वैल्यू डाल डाल के जैसे हम क्लास 9-10 में करते थे, तो ये इस तरीके से आएगी, जैसा कर्व आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब सेकंड इक्वेशन का, सेकंड टेंजेंट का हम इक्वेशन निकालते हैं। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टी टू। ठीक है, तो टी टू का इक्वेशन निकालने के लिए फॉर्मूला वही है हमारा, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टी टू। टी टू का स्लोप कैसे निकलेगा, इसी फॉर्मूले से, लेकिन x की जगह आप क्या रख दोगे, 4। ठीक है, तो यानी कि f डैश ऑफ x नॉट का मतलब f डैश ऑफ 4 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 अपॉन x की हम क्या रख देंगे, 4 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका, आपके पास 2 अपॉन 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर 1, यानी कि इसका भी स्लोप क्या आ गया, 2 आ गया। सुनो यार, मेरे दिमाग से उतर गया था बेवजह स्लोप निकालने, स्लोप तो दोनों का दिया हुआ था, चलो थोड़ा टाइम वेस्ट हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, तो स्लोप की जगह हमने क्या रखा, 2 इन द ब्रैकेट x माइनस x नॉट, x माइनस x नॉट, बस अब कुछ नहीं करना है। x नॉट की जगह क्या डालोगे आप, 4 डालोगे। ठीक है, और y नॉट की जगह क्या डालोगे, ध्यान से करो, y नॉट की जगह आप माइनस 2 रखोगे, और जब माइनस 2 रखोगे तो ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो y प्लस 2 इज इक्वल्स टू, y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 8, इसको सबको लेफ्ट में ले आओ, तो y माइनस 2x और माइनस 8 प्लस 2 10 हो जाएगा। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकंड टेंजेंट, कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 17th एनसीईआरटी का कह रहा, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। ये कर्व पहचानते हो आप, ये एलिप्टिकल कर्व आता है ना, एलिप्स का कर्व है, एलोंगेटेड अलोंग वाई एक्सिस। क्यों, क्योंकि वाई के नीचे देखो बड़ा नंबर है ना, तो ये वाई एक्सिस पे थोड़ा सा एलोंगेटेड लंबा होगा और एक्स एक्सिस पे छोटा होगा। ठीक है, तो इसका मैंने असली कर्व आपके सामने बना के रखा ताकि आपको फील हो, क्या आपको एग्जाम में कर्व बनाना है, नहीं फील करे रहोगे तो अच्छे से कर लोगे, इसलिए मैं फील करा रहा हूँ। ठीक है, तो फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व मतलब इस कर्व पे आपको वो पॉइंट बताने एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो पहले हम करते हैं पार्ट वन। ठीक है, टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड टेंजेंट आर पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो सुनो, टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी, तो समझो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी इस कर्व पे, तो कुछ ऐसे ही होंगी, ध्यान से चेक करो, कुछ ऐसे ही होंगी। ठीक है ना, तो टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी, तो ये रही पहली टेंजेंट और ये रही दूसरी टेंजेंट, चाहे आप पहली टेंजेंट की बात करो चाहे दूसरी टेंजेंट की बात करो। ठीक है, तो इन टेंजेंट्स का स्लोप कितना होगा, 0। अरे भाई, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है और टेंजेंट एक लाइन होती है, जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसका स्लोप कितना होता है, 0। तो इसका मतलब क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, भाई एंगल कितना है, थीटा, 0, 10, 0, 0 हो जाएगा, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स आर 0। ठीक है, तो आप बस एक टेंजेंट की बात कर लो, इनफ है। अब देखो, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालोगे बताओ, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकालोगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकलता है, इसका डेरिवेटिव निकाल के। तो सपोज ये वाला पॉइंट क्या है, x1, y1, और ये वाला पॉइंट क्या है, सपोज x2, y2। ठीक है, तो ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी है, आप सिंपली इसका डेरिवेटिव निकाल लो। तो कैसे निकालोगे डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1। अब हम एक काम करते हैं, क्या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, या यहीं पे, चलो यहीं पे डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या दिक्कत है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। हाँ भाई, 1/4 तो ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y, लेकिन ध्यान रहे एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई का भी करेंगे, यानी कि dy/dx भी हो जाएगा, और नीचे क्या था 25, ये एज इट इज रहेगा, इज इक्वल्स टू 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ठीक है, बात समझ में, 2 1 और 2 2, तो ये हो जाएगा x इंटू 1, x अपॉन 2 हो गया यहाँ, और प्लस यहाँ पर हो गया 2y अपॉन 25 इंटू dy/dx इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दें, यहाँ से dy/dx निकाल लीजिए, कैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका dy/dx के आगे क्या मल्टीप्लाई है, 2y अपॉन 25 इज इक्वल्स टू। अब ध्यान दें बच्चों, ये x अपॉन 2 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस x अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा आपके पास क्या, dy/dx इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, जो नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे, मतलब माइनस x अपॉन 2 इंटू 25 ऊपर, और यहाँ पर क्या है, 2 इंटू वाई, ये नीचे, बात समझ में आई, 25 ऊपर और 2 इंटू वाई ये नीचे, यानी कि माइनस ऑफ 25 इंटू एक्स अपॉन 2 2 4 4y। तो ये तो आ गया आपका क्या, यह आ गया आपका डेरिवेटिव, लेकिन स्लोप क्या होगा बताओ, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे निकलेगा बताओ, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकलेगा आपका
डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स वन कॉमा वाई वन। अभी मान लो हम बस इसका स्लोप निकाल रहे हैं, मान लो ठीक है। तो इसमें जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है वहाँ हम क्या रख देंगे, एक्स वन यानी कि माइनस 25 एक्स वन अपॉन 4 वाई वन। बात समझे, वाई की जगह हमने क्या रख दिया वाई वन। लेकिन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है, जीरो, यानी कि इसको उठा के किसके इक्वल रख दो, जीरो, यही तो स्लोप है ना, हाँ एक्स वन कॉमा वाई वन पे, ठीक है। तो माइनस 25 एक्स वन अपॉन 4 इंटू वाई वन, भाई यही तो स्लोप है, कहाँ पे, पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन पर, इसको उठा के जीरो के इक्वल रख दो, क्योंकि स्लोप क्या है, जीरो, क्योंकि टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अब आप एक्स वन की वैल्यू निकाल लो यहाँ से और वाई वन की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकाल लोगे ध्यान से चेक करो। देखो इसकी आप रीजनिंग करो, रीजनिंग कैसे करोगे, सुनो बच्चों बात ध्यान से समझो जरा। सिंस क्या क्या जीरो नहीं हो सकता है, माइनस 25 जीरो नहीं है और 4 भी जीरो नहीं है, यानी कि सिंपल अगर हम बोले तो माइनस 25 अपॉन 4 तो जीरो नहीं है, तो एक्स वन अपॉन वाई वन जीरो है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक्स वन जीरो होगा, वाई वन तो जीरो हो नहीं सकता, वाई वन जीरो नहीं है भैया, क्यों, क्योंकि अगर वाई वन जीरो हो जाएगा तो सोचो समथिंग अपॉन जीरो तो नॉट डिफाइंड आएगा ना, स्लोप नॉट डिफाइंड तो था नहीं, क्या था, जीरो था। इसका मतलब ना तो माइनस 25 जीरो है, ना तो 4 जीरो, ना तो वाई वन ही जीरो है। तो केवल इस क्वांटिटी को पूरे को जीरो करने के लिए आपको x1 को क्या करना पड़ेगा, जीरो, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि x1 इज इक्वल्स टू जीरो, रीजन क्या लिखोगे, y1 कांट बी इक्वल टू जीरो एंड माइनस ऑफ 25 अपॉन 4, या सिंपली लिख दो माइनस ऑफ 25 अपॉन 4 y1 कांट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो x1 कितना आ गया, जीरो। अब ये x1 से जीरो आ गया, बच्चों ध्यान समझो, ये x1 टेंजेंट पे तो लाई कर रहा है, ये कर्व पे भी लाई कर रहा है, तो ये x1 किसको सेटिस्फाई करेगा, कर्व की इक्वेशन को, और ये कर्व की इक्वेशन है, ठीक। तो इसका मतलब इस कर्व की इक्वेशन में अगर हम एक्स की जगह एक्स वन रख दें और वाई की जगह अगर हम वाई वन रख दें, ठीक है, तो एक्स वन वाई वन कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि एक्स वन का स्क्वायर अपॉन 4। आपके एनसीईआरटी में ना एक्स वन वाई वन नहीं लिया हुआ है, तो आप उसकी टेंशन मत लो यार, आप सिंपल, मैंने तो मान लिया है कि पॉइंट क्या है मेरे एक्स वन वाई वन, ठीक है, और ये एक्स टू वाई टू भी मत मानो, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करेंगे और ये हो जाएगा आपके पास कितना, वन, वैल्यू रखो एक्स वन की वैल्यू कितनी, जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो पॉइंट फोर जीरो, तो ये तो हो गया जीरो, और वाई वन का स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल टू वन, ये जीरो से कोई मतलब नहीं, 25 उधर जाएगा, वाई वन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, 25 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 5, क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो प्लस माइनस भी लगाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब क्या कि जब तुमने एक्स वन कितना लिया, जब तुमने एक्स वन जीरो लिया तो वाई वन की दो वैल्यू आई, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे तुम्हारे, एक्स वन की वैल्यू जब जीरो तो एक बार वाई हम क्या ले लेंगे, प्लस 5, और x1 की वैल्यू जब 0 तो एक बार y हम क्या ले लेंगे, माइनस 5। बात समझ में, इसका मतलब आप चेक कर लो, आप चेक कर लो भाई, मैंने आपको असली ग्राफ बनाया था, तो ये 2, ये 4, यहाँ कहीं 5 आता होगा, और y एक्सिस पे पड़े हुए कोऑर्डिनेट कैसे होते हैं, y एक्सिस पे जो लाई करता है उसका x कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0, तो 0.5 ये रहा, और ये क्या है, ये है आपका 0.-5, यानी कि उन टेंजेंट्स का, वो टेंजेंट जो x एक्सिस के पैरेलल हैं वो कहाँ से पास कर रही हैं, वो पास करनी है 0.5 एंड 0.-5। तो हम आंसर कैसे करेंगे, हम आंसर करेंगे कि द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर 0.5 एंड 0.-5, ऐसे करके हम आंसर करेंगे। ये हो गया पहला आंसर। अब दूसरा आंसर देखिए कैसे करेंगे, तो दूसरा आंसर करने के लिए उन्होंने आपको क्या बोला है, उन्होंने आपको बोला है कि टेंजेंट्स क्या हैं, पैरेलल टू द वाई एक्सिस हैं। तो सोचो जरा, अगर टेंजेंट पैरेलल टू द वाई एक्सिस होंगी, ये वाई एक्सिस है और इस वाई एक्सिस के पैरेलल अगर टेंजेंट होंगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, ये देखिए, ये आपकी इस टाइम टी वन है, अब इसको मत देखो, ठीक, और ये आपकी टी टू है, अरे ये पैरेलल है, टच करके निकल ली यहाँ से, ठीक है, ये आपकी टी टू, दोनों वाई एक्सिस के पैरेलल। मैंने आपको बताया जब कोई टेंजेंट वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप कैसा होता है, नॉट डिफाइंड, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स आर नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 90 एंगल बना रही है, टेन 90 कितना होता है, नॉट डिफाइंड, तो ये हो गया आपका नॉट डिफाइंड, यानी कि इसको हमको किसके इक्वल रखना पड़ेगा, नॉट डिफाइंड के, ठीक है। अभी भी हमने मान लिया हाँ कि क्या ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रही है, एक्स वन कॉमा वाई वन से, ठीक है, अरे कुछ भी मान लो यार, इस बार एक्स टू कॉमा वाई टू मान लो लो, ठीक, तो एक्स टू कॉमा वाई टू, यहाँ पे भी आपको दो पॉइंट मिलेंगे, एक यहाँ मिलेगा और एक यहाँ, वो अपने आप मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा था कि हमने डी वाई बाई डी एक्स ऐसा कुछ निकाला था, माइनस 25 एक्स अपॉन वाई निकाला था, तो उसमें एक्स की जगह एक्स टू, वाई की जगह वाई टू रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट कहाँ पर, एट एक्स टू कॉमा वाई टू, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट मिल जाएगा विच आर पैरेलल टू व्हाट, वाई एक्सिस, ठीक है। अब सुनो, लेकिन स्लोप ऑफ द टेंजेंट विच आर पैरेलल टू वाई एक्सिस आर नॉट डिफाइंड, तो भैया इसको किसके इक्वल होना पड़ेगा, इसको इक्वल होना पड़ेगा किसके, नॉट डिफाइंड के। बात समझ में आई कि नहीं भाई, समझो ना, ये क्या निकाला तुमने, ये ऐसी टेंजेंट्स का स्लोप निकाला है जो टेंजेंट वाई एक्सिस के क्या है,
पैरेलल है, और वाई एक्सिस के पैरेलल जो टेंजेंट होती हैं वो एक्स एक्सिस 90 बनाती हैं, तो 10-90 तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। 10-90 ही तो उसका स्लोप होता है, यानी कि इनका स्लोप क्या है, नॉट डिफाइंड। और स्लोप हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे, डी वाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट, तो डी वाई डी एक्स एट गिवन पॉइंट हमने निकाला, ये भी क्या है, स्लोप ही है, है ना, और स्लोप नॉट डिफाइंड दिया हुआ है क्वेश्चन में इनडायरेक्टली, तो इसको हमको स्लोप को नॉट डिफाइंड के इक्वल रखना पड़ेगा। हाँ, मैंने आपको क्या बताया था, नॉट डिफाइंड का क्या मतलब होता है, नॉट डिफाइंड का मतलब होता है 1/0, होता है कि नहीं होता है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आपकी बुक में अलग तरीके से किया, उन्होंने नॉर्मल को लेके किया, आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नॉट डिफाइंड को मैंने क्या लिख दिया, 1/0 लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराओ, क्या हो जाएगा, 0 into this 0 into this 0 आ जाएगा, और 4y2 into 1 4y2 आ जाएगा, तो यहाँ से y2 is equals to 0/4, यानी कि y2 कितना आ गया, y2 आपका 0 आ गया, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। तो y2 अगर 0 आ गया तो ये x2 y2 किसको सेटिस्फाई करेंगे, कर्व की इक्वेशन को, अरे भाई ये x2 y2 टेंजेंट पे तो लाई कर रहे हैं, कर्व पे भी तो लाई कर रहे हैं, तो ये कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि x की जगह आपको क्या रखना है, x2, तो x2 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y की जगह क्या रखना है, y2, और y2 कितना है मेरा, 0, यानी कि 0 का स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल्स टू व्हाट, इज इक्वल्स टू 1। नाउ वी विल सॉल्व इट, 0 का स्क्वायर 0, 0 अपॉन समथिंग 0, तो ये पोर्शन तो हो गया 0, और x2 का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1, समथिंग प्लस 0 इतना ही आ जाएगा, तो 0 हम हटा देते हैं, 4 को उधर भेजते हैं, तो x2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, x2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हुई है शायद, लेट मी चेक इट, ये हो जाएगा, ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 बनता क्या होता है, 4 क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा x2 इज इक्वल्स टू, स्क्वायर हटाओगे तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4, आगे प्लस माइनस, यानी कि x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2, यानी कि प्लस माइनस 2। तो सुनो, इसका मतलब x की दो वैल्यू है, क्या क्या है, x2, y2, क्या क्या पॉसिबल हो जाएगा बताओ, एक तो x2 की वैल्यू अगर हम 2 लें तो 2, और y2 तो हर बार 0 है, ठीक है, y2 0 रखा था तभी तो x2 की दो वैल्यू आई हैं, तो x2, y2 अगर हम निकालेंगे तो 2, 0, और एक बार x की वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे तो -2, 0, और आप यहाँ से विजुलाइज कर लीजिए, ये मैंने असली ग्राफ बनाया था, तो जो टेंजेंट्स y एक्सिस के पैरेलल हैं वो कहाँ से पास हो रही हैं, देखो ये क्या है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से लेफ्ट में -2, 0 से, जो पॉइंट x एक्सिस में पड़ा होता है उसका y कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0, ठीक है, और ये 2, 0। तो अब हम आंसर कैसे करेंगे, हम आंसर करेंगे द पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द y एक्सिस आर -2, 0 and 2, 0, कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 18 कह रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट अ पॉइंट वेयर इट कट द एक्स एक्सिस। अगर कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को कहीं पे कट करता है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। इस कॉन्सेप्ट का आप यूज़ करोगे, भाई कोई भी कर्व अगर क्या करता है, एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, कट करता है, ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बताओ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो होगा बट वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हमने इसको असली कर्व आपका बना के रखा है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। क्या आपको एग्जाम में बनाना है, नहीं, आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, आपको सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आपको तब पता चलेगी जब आपको ये पता चल जाएगी कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, यानी कि x0, y0, और उस पॉइंट पे क्या पता चल जाए आपको, dy/dx, यानी कि स्लोप पता चल जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सॉल्यूशन में हम इसका स्लोप निकालते हैं, तो dy/dx इज इक्वल्स टू, हाँ भाई, इस फंक्शन का डेरिवेटिव कौन से रूल से करोगे, कोशेंट रूल से, क्या होता है, डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर इंटू d/dx ऑफ न्यूमरेटर, यानी कि न्यूमरेटर क्या, x-7, माइनस न्यूमरेटर इंटू d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी कि इसका किसका, x-2 इंटू x-3 का डेरिवेटिव करेंगे, और डिवाइडेड बाय आपका डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी कि x-2 का स्क्वायर इंटू x-3 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, देखो इसको, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, किसको, x-2 into x-3 को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, नहीं तो फिर प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ जाएगा ना, x into x x square -3x - 2x + 6, तो ये हो जाएगा x² - 5x + 6, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया, उसको हम लिख लेते हैं x² - 5x + 6, ओके चलो अब करते हैं इसका डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा आपके पास dy/dx इज इक्वल्स टू x-2 into x-3 into, अब ध्यान दें x का डेरिवेटिव 1 और 7 का कितना होता है 0, तो यहाँ 1-0 1 आएगा, उसको हम नहीं लिखेंगे, -x-7 into x² का क्या होगा डेरिवेटिव 2x, -5x का क्या होता है 5 होता है, ठीक, और डिवाइडेड बाय आपके पास हो गया नीचे क्या, x-2 का स्क्वायर इंटू x-3 का स्क्वायर, ये हो गया डेरिवेटिव, ठीक है ना। चलो
बहुत बढ़िया। अब स्टूडेंट्स इसका डेरिवेटिव करने का बहुत बढ़िया स्टाइल है क्या, कि आप अगर इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दोगे ना आप चक्कर में फंस जाओगे। पता है इसका डेरिवेटिव आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आ रहा है आपकी एनसीईआरटी में, और उसका कारण है मैं बता रहा हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वन माइनस वाई इन द ब्रैकेट टू एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस। अब ऐसा क्यों लेके आ रहे हैं वाई के टर्म्स में, पता है क्यों? क्योंकि देखो ना ये कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट करता है, एक्स कॉमा जीरो, मतलब समझो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, ठीक है। तो वाई की वैल्यू हम जीरो रख पाएंगे इसलिए हम यहाँ पर वाई लाने की कोशिश करेंगे। अब कैसे करेंगे ध्यान से करो, आपका वाई क्या है एक्स माइनस सेवन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ से, हम ब्रैकेट तो हटा ही सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस इंटू दिस। हमने क्या करा यहाँ पर ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हाँ डिवाइडिंग बाय एक्स माइनस सेवन इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। क्या कर रहे हैं डिवाइडिंग बाय एक्स माइनस सेवन इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में एक्स माइनस सेवन से डिवाइड कर दो। अब ऐसा मैंने क्यों सोचा वो अभी आपको समझ में आएगा। देखो अभी नीचे को मत देखो, ये पूरा न्यूमरेटर इसमें डिवाइड करो पहले, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। हाँ सुनो, जब तुम एक्स माइनस सेवन से डिवाइड करोगे ना, सुनो अगर जैसे मान लो कहीं फोर माइनस थ्री लिखा है, मैंने बोला भाई इसको तुम एक्स से डिवाइड करो, तो जब एक्स से करोगे तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो फोर अपॉन एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स, यानी कि ये एक्स इसको भी मिलेगा इसको मिलेगा। तो ठीक उसी तरीके से जब तुमने न्यूमरेटर में किससे डिवाइड किया एक्स माइनस सेवन से, तो ये आपकी फर्स्ट क्वांटिटी है, फोर की जगह क्या है ये, थ्री की जगह क्या है ये, बीच में माइनस लगा है, तो ये एक्स माइनस सेवन इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा, मतलब एक्स माइनस सेवन फर्स्ट टर्म को भी मिला फिर माइनस लगा देंगे यहाँ पर, और x माइनस सेवन किसको मिलेगा ये सेकेंड टर्म को भी मिलेगा, यानी कि x माइनस सेवन टू एक्स माइनस फाइव और डिवाइडिंग बाय x माइनस सेवन, ठीक। अब सुनो, अब ये जो डिवाइड का साइन लगा इसको हमने ऐसे लगा दिया, ठीक। अब क्योंकि न्यूमरेटर में डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। उससे पहले एक चीज़ देखिए, x माइनस टू का होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं बताओ, x माइनस टू का होल स्क्वायर x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर x माइनस थ्री, बस थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, ठीक है ऐसे लिख दिया इसको दो दो बार। अब डिवाइडिंग बाय x माइनस सेवन था, ये था कि नहीं था, ठीक ये था। अब ध्यान से चेक करो बच्चों क्या, y अगर इतना है तो हम क्या सोच सकते हैं y के नीचे 1 रहा होगा, इसको पलट दो रेसिप्रोकल कर दो, तो 1 अपॉन y क्या हो जाएगा 1 अपॉन y इज इक्वल टू, ये भी पलट जाएगा, यानी कि x अपॉन x माइनस टू x माइनस थ्री अपॉन x माइनस सेवन ऐसा हो जाएगा, यानी कि अगर ऐसा मिले तो वो किसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन y की, ठीक है। तो ध्यान से चेक करो x माइनस टू x माइनस थ्री अपॉन x माइनस सेवन, ठीक है x माइनस टू x माइनस थ्री अपॉन x माइनस सेवन, ये तो क्या हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास क्या ये वैल्यू x माइनस टू x माइनस थ्री अपॉन x माइनस, ये 1 अपॉन y हो गया। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1 अपॉन y माइनस, हाँ भाई ये x माइनस सेवन से x माइनस सेवन कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बचा आपके पास, यहाँ पर बचा 2x माइनस फाइव और डिवाइडेड बाय x माइनस टू और x माइनस थ्री, ओके x माइनस टू x माइनस थ्री अपॉन x माइनस सेवन, ये पूरा क्या हो गया आपका, ये पूरा हो गया आपका 1 अपॉन y। तो यहाँ पे भी हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन y लिख दिया, और साथ में क्या है x माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, ये हो गया, ठीक। कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। अब एक काम करिए क्या, ये रहा आपका न्यूमरेटर और ये रहा आपका क्या डिनोमिनेटर, तो क्या किया हमने मल्टीप्लाइंग बाय वाई इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। तो हमने वाई से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और वाई से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया ध्यान से चेक करो, ये वाई जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई करेगा तो वाई इंटू वन वाई अपॉन वन, वाई से वाई कट जाएगा, चेक करो जगह वाई अपॉन वाई माइनस वाई इंटू दिस, यानी कि वाई इंटू टू एक्स माइनस फाइव अपॉन, हाँ भाई ये वाई अंदर जाएगा तो वाई अपॉन वाई, अरे काट दो ना यार वन ही तो आएगा, तो यहाँ मैं सीधे वन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर वाई से वाई कटेगा तो आगे वन आएगा, यानी कि हम सिंपली क्या लिख देंगे एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, क्योंकि आगे क्या आ गया वन आ गया, तो ये आ गया आपका क्या डेरिवेटिव, ठीक है बच्चों। अब सुनो हमने क्या किया कि ये जो डेरिवेटिव आया हुआ है इसको हम संभाल के कहीं पर रख लेते हैं, तो डी बाय बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू कितना आया है, यह है आपका 1 माइनस वाई इंटू टू एक्स माइनस फाइव अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री यह आया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए आपका एक्स नॉट क्या है x है और y नॉट क्या है जीरो है, बात समझो ना, ये कर्व x एक्सिस को इंटरसेक्ट करके निकल रहा है तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा जीरो, यानी कि अगर हम स्लोप निकालना चाहें, क्या निकाल लें स्लोप निकालना चाहें, तो उसका स्लोप कितना आ जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द
टेंजेंट एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट इज गिवन बाय डी वाई बाय डी एक्स एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट। ठीक है, यानी कि इसमें जहाँ जहाँ क्या आ रहा है एक्स, वहाँ वहाँ एक्स नॉट रखेंगे और जहाँ जहाँ वाई आ रहा है वहाँ जीरो रख देंगे, क्योंकि वाई नॉट कितना है, जीरो है। तो रखिए क्या जाएगा, वन माइनस, हाँ भाई वाई की जगह वाई नॉट, वाई नॉट की वैल्यू कितनी, जीरो, जीरो इंटू समथिंग, तो ये पीछे वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, ये हो गया जीरो अपॉन एक्स की जगह आपने क्या रखा एक्स नॉट माइनस टू। आपकी एन सी आर टी में एक्स नॉट वगैरह ऐसे वो कुछ नहीं रखता है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप एक्स लिख के चल लो, जो मर्जी वो कर लो, ठीक है, एक्स नॉट माइनस थ्री, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको ये डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि एक्स नॉट नहीं पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट क्या कर्व पे भी लाई करते हैं और यहाँ पे जो भी टेंजेंट बनाएंगे उस पे भी लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्स नॉट वाई नॉट है किसको सेटिस्फाई करेंगे, कर्व की इक्वेशन को। तो कर्व की इक्वेशन क्या थी, कर्व की इक्वेशन थी वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस सेवन अपॉन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो ये एक्स नॉट वाई नॉट से इसको सेटिस्फाई करा दो, तो वाई नॉट इज इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस सेवन अपॉन एक्स नॉट माइनस टू और एक्स नॉट माइनस थ्री। और अभी अभी आपने देखा क्या कि वाई नॉट कितना था, जीरो था, कर्व कहाँ से पास हो रहा था, एक्स नॉट कॉमा जीरो से। अरे एक्स कॉमा जीरो मतलब एक्स नॉट कॉमा जीरो, तो वाई की वैल्यू कितनी रख दोगे वाई नॉट की, जीरो, तो जीरो इज इक्वल्स टू वॉट एक्स नॉट माइनस सेवन अपॉन एक्स नॉट माइनस टू एक्स नॉट माइनस थ्री। अब ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो, इसके लिए किसको जीरो होना पड़ेगा, इसको अरे क्रॉस करा दो, उसको उधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा आपके पास एक्स नॉट माइनस सेवन इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ से एक्स नॉट आ जाएगा कितना, सेवन। यानी कि ये कर्व एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स की वैल्यू आई है सेवन, सेवन कॉमा जीरो, सेवन कॉमा जीरो। ठीक है, बात समझो, तो आपका एक्स नॉट कितना आ गया, सेवन, तो इसका जो स्लोप होगा वो कहाँ निकालना पड़ेगा हमको, सेवन कॉमा जीरो पे। तो वाई की वैल्यू तो हम पहले ही जीरो रख चुके हैं यहाँ पर, देखो वाई नॉट की, अब हमको एक्स नॉट की वैल्यू रखनी है, तो रखते हैं एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगा, वन माइनस जीरो तो वन होता है अपॉन, हाँ भाई एक्स नॉट कितना रखना है, सेवन, तो सेवन माइनस टू फाइव इन टू एक्स नॉट सेवन, सेवन माइनस थ्री कितना हो गया, फोर हो गया, तो ये आ गया आपका वन अपॉन ट्वेंटी। ठीक है, तो आपका स्लोप तो आपको पता चल गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, स्लोप पता चल गया, कहाँ पता चल गया, अब बच्चों ध्यान से करो, मैंने इसका असली कर्व बनाया था, आपको मैंने बताया था, तो इसका असली कर्व ऐसे, देखो ये इसके दो पोर्शन है इस कर्व के। ठीक है, ये तो कभी एक्स एक्सिस को नहीं इंटरसेक्ट करता है, लेकिन ये वाला कहाँ इंटरसेक्ट करता है, सिक्स और एट के बीच में, यानी कि सेवन कॉमा जीरो पे। और चेक करो कि यही बोला जा रहा था क्या, कि ये कर्व एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, यानी कि वाई उसका जीरो होगा और इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, सेवन कॉमा जीरो पे, यानी कि यही क्या है, एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट है, और इसी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, मतलब इसी पॉइंट पे डाला गया टेंजेंट ऐसे करके होगा, सोचो इस टेंजेंट का आपको क्या निकालना है, इस टेंजेंट का आपको इक्वेशन निकालना है। तो इस टेंजेंट का आपको पॉइंट भी पता चल गया और स्लोप भी पता चल गया, तो अब हम फॉर्मूला लगा देंगे सिंपली क्या, कि वाई माइनस वाई नॉट, ये क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कहाँ पर, एट सेवन कॉमा जीरो, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू वॉट, इज इक्वल्स टू जो आपने डेरिवेटिव निकाला है एक्स नॉट पे कितना आया है, वन अपॉइंट ट्वेंटी, यानी कि स्लोप यही है, और x माइनस एक्स नॉट। ठीक है, अब बस वैल्यू रख दीजिए, y माइनस वाई नॉट कितना है, जीरो, क्योंकि y कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो, वन अपॉइंट ट्वेंटी, और x माइनस एक्स नॉट कितना है, एक्स नॉट है आपका सेवन, रख दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल्स टू वाई माइनस जीरो, y इज इक्वल्स टू, आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी करा सकते हो, तो ट्वेंटी यहाँ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू क्या आ गया, x माइनस सेवन, थोड़ा सा रीअरेंज वरेंज कर लेना इसको, तो ये आ जाएगा ट्वेंटी वाई माइनस एक्स प्लस सेवन इज इक्वल्स टू जीरो, मेरे ख्याल से तो इतना ही आना चाहिए, लेट मी चेक इट, कुछ इन्होंने इधर उधर तो नहीं किया हुआ है, यस, ट्वेंटी वाई माइनस एक्स प्लस सेवन इज इक्वल्स टू जीरो इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विच इज पासिंग थ्रू द एक्स एक्सिस, मीन्स विच कट द एक्स एक्सिस एट सेवन कॉमा जीरो, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व, ये कर्व है, इस बार मैंने ग्राफ ऑफ नहीं बनाया है, सिंपली अब निकालते हैं इस क्वेश्चन को एट 1.1। ठीक है, तो अगर आपको टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, तो इसके स्लोप पता होने चाहिए आपको, तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2/3 और प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ वाई की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू, और राइट में जब डेरिवेटिव करोगे 2 का कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, चलो हाँ भाई इसको डिफरेंशिएट करो, ये पावर आगे आ जाएगी, यानी कि 2/3 और x की पावर में से 2/3 माइनस 1 कर देंगे, प्लस ये पावर आगे आ जाएगी 2/3 और y की पावर में से 1 माइनस कर देंगे, और ध्यान दें साथ में, क्योंकि आप y का x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो साथ में dy बाय dx भी आएगा इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। नाउ ये हो जाएगा आपके पास 2/3
इंटू एक्स की पावर, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 3, क्या होता है माइनस 1 अपॉन 3 और प्लस 2 अपॉन 3। इसी तरीके से y की पावर माइनस 1 अपॉन 3 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं क्या 2 अपॉन 3, तो 2 अपॉन 3 अगर हमने कॉमन लिया तो हो गया x की पावर माइनस 1 अपॉन 3, ओके, और प्लस y की पावर माइनस 1 अपॉन 3 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब ध्यान दें 2 अपॉन 3 और ये पूरी क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, तो 2 अपॉन 3 तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको 0 होना पड़ेगा, बात समझ में आई। तो सिंस 2 या एज 2 अपॉन 3 कांट बी इक्वल टू 0, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू व्हाट 0, ओके। तो देखते हैं क्या होता है, तो ये क्वांटिटी 0 के इक्वल रख देते हैं, यानी कि x की पावर माइनस 1 अपॉन 3 और प्लस y की पावर माइनस 1 अपॉन 3 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये जाएगा राइट में, तो क्या हो जाएगा y की पावर माइनस 1 अपॉन 3 इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान दें प्लीज़, x के सामने पॉजिटिव है भैया, ये साइन मत चेंज कर देना पावर वाला, अरे ये एक टर्म है यार, इसको तुम बस राइट में ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ठीक है, तो x के आगे भी पॉजिटिव है और वहाँ क्या लग जाएगा माइनस, और इसकी पावर वैसे ही रहेगी जैसी थी, ठीक है। नाउ डिवाइडिंग बाय वाई की पावर माइनस 1 अपॉन 3 बोथ साइड, तो इधर भी हमने वाई की पावर माइनस 1 अपॉन 3 से डिवाइड किया और इधर भी हमने वाई की पावर माइनस 1 अपॉन 3 से डिवाइड किया, तो ये तो गया कट गया और आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ, माइनस लगाया ध्यान दीजिएगा, एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 3 अपॉन वाई की पावर माइनस 1 अपॉन 3। हाँ भाई, अब ध्यान दें प्लीज़, देखो ये माइनस तो मैंने ऐसे लगाया, इसकी तुम टेंशन मतलब, अगर मैं वाई को ऊपर भेज दूँ तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी और अगर एक्स को मैं नीचे भेज दूँ एक्स वाले टर्म को, तो इसकी पावर भी पॉजिटिव हो जाएगी। भाई ऐसे नीचे भेजने से साइन चेंज हो जाता है, इसको ऊपर भेजने से साइन चेंज हो जाता है, ठीक है, ऊपर को नीचे, नीचे को ऊपर भेजोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। अब ध्यान चेक करो, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, ध्यान चेक करना, माइनस ऑफ y अपॉन x की होल पावर 1 अपॉन 3, क्यों भाई, हमने पढ़ा था क्या कि a अपॉन b की होल पावर m, तो ये इसको भी मिलता है, इसको भी मिलता है, यानी कि a की पावर m अपॉन b की पावर m, तो वापस से ऐसे नहीं जा सकते हो कि a अपॉन b की होल पावर m, ठीक है, तो हमने क्या किया, y अपॉन x की होल पावर 1 अपॉन 3 लिख दिया। अब एक बात सुनो, 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 आता है, 1 की पावर 0 1, 1 की पावर 2 1, 1 की पावर 1 अपॉन 3 1, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स, लेकिन हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है स्लोप। सबसे पहले हम किसका निकाल रहे हैं, टेंजेंट का, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट व्हाट, एट पॉइंट 1, 1, 1, 1 पे स्लोप क्या होगा, ये स्लोप जो होगा वो होगा डी वाई बाई डी एक्स एट 1, 1, मीन्स ये जो डी वाई बाई डी एक्स आया है इसमें आप x की जगह भी क्या रखोगे 1, y की जगह भी 1, ठीक है, तो 1 अपॉन 1 क्या होगा 1, तो 1 अपॉन 1 1, 1 की पावर 1 अपॉन 3 1, तो यहाँ आ गया 1 और आगे क्या लगा है माइनस, यानी कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या आ गया बच्चों, ध्यान से चेक करिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 1, 1 कितना आ गया माइनस 1। अगर मैं तुमसे बोलूँ क्या कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल निकालो, तो कैसे निकालोगे, यहीं पे निकाल के रख लो, स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट, एट द पॉइंट 1, 1, ओके, मैंने क्या बताया था, क्या कि अगर स्लोप ऑफ द टेंजेंट एम टी ए और स्लोप ऑफ द नॉर्मल एम एन है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या था माइनस 1, क्यों, क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल के परपेंडिकुलर होता है, तो यहां से क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ द नॉर्मल, एम क्या है स्लोप, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो यही वाला कॉन्सेप्ट लगाकर हम क्या करेंगे, हम स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट 1, 1, यानी कि एम एन, एम एन क्या है स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट पॉइंट 1, 1 इज इक्वल टू व्हाट माइनस 1 अपॉन एम टी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, हाँ भाई एम टी मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 1, 1, एम टी कितना आया था स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट 1, 1 माइनस 1 आया था, तो नीचे हमने रखा माइनस 1, माइनस से माइनस गया 1 अपॉन 1, 1 होता है, ठीक, यानी कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपका जो आया है आंसर वो क्या आया है, अभी हम इसको यूज़ करेंगे, तो ये आ गया है आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट आया है आपका माइनस 1 और स्लोप ऑफ द नॉर्मल जो आया है स्टूडेंट्स वो आया आपका कितना 1 आया है। अब एक एक करके हम इक्वेशन निकालते हैं, किसकी निकालेंगे पहले, टेंजेंट की और फिर नॉर्मल की, ठीक है। चलो सबसे पहले हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, और वो सब आप लिख लीजिएगा पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1 एट दिस कर्व, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप ऑफ व्हाट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, अरे भाई ये क्या है, ये स्लोप ही तो है टेंजेंट का, कहाँ पे, एक्स नॉट वाले पॉइंट पे, यानी कि 1, 1 पे, ठीक है, तो वाई माइनस, हाँ भाई
एक्स नॉट बी वन वाई नॉट बी वन, तो एक्स नॉट की जगह वन वाई नॉट की जगह वन, तो वाई नॉट की जगह वन और स्लोप ऑफ द टेंजेंट कितना है माइनस वन, तो एम टी की जगह कितना रखेंगे माइनस वन इन द ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स नॉट भी क्या है वन है, तो सॉल्व करो वाई माइनस वन इज इक्वल्स टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया वन। अब वाई और माइनस एक्स को लेफ्ट में लेके आओगे तो वाई प्लस एक्स और ये माइनस वन को इधर लेके आओगे माइनस वन माइनस वन माइनस टू इज इक्वल्स टू व्हाट जीरो, तो आंसर आप चेक करिए आपके एनसीईआरटी में आंसर यही दिया हुआ है क्या, लेट मी चेक इट, मेरे पास तो प्रिंट भी नहीं सही है। y प्लस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, दिस द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 1, 1, यस इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट 1, 1, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्या इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट 1, 1, कैसे आएगा ये, यह आएगा y माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू, हाँ भाई यहाँ पर क्या किसका स्लोप रखेंगे नॉर्मल का, ठीक है x माइनस एक्स नॉट, सिंपली ये कोई फॉर्मूला मैं नहीं लगा रहा हूँ है ना भाई, यही क्या है एम एन ए माइनस वन अपॉन एफ डैश ऑफ एक्स नॉट ही क्या है स्लोप है किसका नॉर्मल का, मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, तो वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू, हाँ भाई स्लोप ऑफ द नॉर्मल कितना आया है 1, 1 पे 1 आया है, 1 रख दिया इसकी वैल्यू, x माइनस एक्स नॉट कितना है 1 और वाई नॉट कितना है 1 है, ठीक है तो आ जाएगा वाई माइनस वन इज इक्वल टू वन इंटू एक्स एक्स माइनस वन इंटू वन वन, इस वन को लेफ्ट में लेके आओ एक्स को लेफ्ट में लेके आओ तो वाई माइनस एक्स और ये माइनस वन प्लस वन यानी कि ये कट जाएगा, तो आपके पास क्या आ गया वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो जिसको आप वाई इज इक्वल टू एक्स भी बोल सकते हो, तो लेट मी चेक द आंसर येस वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट 1, 1 कर लीजिए। एग्जाम्पल लेते हैं दैट इज एग्जाम्पल नंबर 20 एनसीईआरटी का, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, ये कर्व की पैरामेट्रिक इक्वेशन दी, याद है ना पैरामेट्रिक इक्वेशन में अगर आपको डी वाई बाय डी एक्स निकालना होता था, देखो एक्स बी टी का फंक्शन है वाई बी टी का फंक्शन है, तो डी वाई बाय डी एक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे डी वाई बाय डी टी निकालते थे और डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी टी, यानी कि आपको क्या निकालना पड़ेगा आपको डी वाई बाय डी टी पहले निकालना पड़ेगा, तो डी वाई बाय डी टी अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा इसको, ये जो कर्व की इक्वेशन है इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें किसके रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट में, तो बी तो कांस्टेंट है ये ऐसे ही रहेगा और कॉस क्यूब का डेरिवेटिव, हाँ बच्चों ध्यान से चेक करो जरा क्या कि कॉस क्यूब का मतलब क्या होता है कॉस टी का क्यूब, तो पहले पूरे का करोगे तो थ्री आ जाएगा आगे और कॉस टी की ये पावर में वन माइनस कर दोगे इन टू, अब कॉस का करोगे अब किसका करोगे अंदर कॉस टी का करोगे तो क्या आ जाएगा कॉस टी का जब करोगे तो आ जाएगा आपका माइनस साइन टी, कॉस टी का डेरिवेटिव माइनस साइन टी और टी का करोगे फिर तो टी का टी के रिस्पेक्ट में वन हो जाएगा, ठीक है तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस साइन आगे आ जाएगा थ्री इंटू बी थ्री बी और साइन टी थ्री बी साइन टी और ये हो जाएगा आपके पास क्या कॉस स्क्वायर टी, ठीक है कॉस टी का स्क्वायर का मतलब कॉस स्क्वायर टी, ठीक है ऐसे ही लिख लो कॉस टी का स्क्वायर लिख लो क्या हो गया, ठीक इसी तरीके से आपको क्या निकालना है डी एक्स बाई डी टी, तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में एक्स टी के रिस्पेक्ट में, तो डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल्स टू, हाँ भाई ध्यान दें ए तो ऐसे ही रहेगा और साइन क्यूब टी का मतलब साइन टी का होल क्यूब थ्री आएगा पहले पूरे का करोगे तो थ्री आएगा आगे तो थ्री आएगा आगे और साइन टी का स्क्वायर बचेगा इन टू साइन का करोगे तो क्या आता है कॉस टी और टी का करोगे वन आ जाएगा, ठीक अब निकालते हैं क्या डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स ही हमको क्या देगा हमको स्लोप देगा एट अ गिवन पॉइंट और गिवन पॉइंट क्या है टी इज इक्वल टू पाई बाई टू और हमने आपको पहले बताया कि डी वाई बाई डी एक्स किसके फॉर्म में आएगा पैरामेट्रिक वेरिएबल टी के फॉर्म में अभी देखना आएगा, तो ऊपर हमने क्या रखना है डी वाई बाई डी टी रखना है कितना आया डी वाई बाई डी टी यहाँ आपका माइनस ऑफ थ्री बी साइन टी इन टू कॉस टी का स्क्वायर अपॉन डी एक्स बाई डी टी कितना आया यह आया आपका थ्री ए इन टू साइन टी का स्क्वायर इन टू कॉस टी, ठीक है चलो बहुत बढ़िया लेकिन हमको डी वाई बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट निकालना है यानी कि एट टी इज इक्वल्स टू व्हाट पाई बाई टू यही क्या होगा आपका यही क्या होगा स्लोप होगा किसका स्लोप ऑफ द टेंजेंट कौन से पॉइंट पे एट पॉइंट टी इज इक्वल्स टू पाई बाई टू, ठीक है तो सॉल्व करते हैं निकालते हैं तो इसमें जहाँ जहाँ क्या आ रहा है जहाँ जहाँ टी आ रहा है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे पाई बाई टू रख देंगे लेकिन उससे पहले अगर आप इसमें अगर पाई बाई टू रख दोगे ठीक है तो साइन पाई बाई टू क्या होता है वन होता है कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन कॉस पाई बाई टू जीरो नीचे जीरो आएगा नॉट डिफाइंड हो जाएगा इसलिए हमने क्या किया इसको सिंप्लीफाई किया कैसे एक कॉस से एक कॉस कटेगा ठीक और एक साइन टी से एक साइन टी कटेगा करेक्ट क्या आ गया कॉस टी अपॉन साइन टी थ्री से थ्री गया तो माइनस बी अपॉन ऊपर क्या आ गया कॉस टी और नीचे क्या आ गया साइन टी सॉल्व करते हैं माइनस बी अपॉन ए और टी की जगह क्या रखना है पाई बाई टू तो क्या हो जाएगा ऊपर कॉस पाई बाई टू
और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा साइन पाई बाई टू। हाँ भाई, कॉस पाई बाई टू क्या होता है, जीरो। कॉस 90 जीरो होता है और साइन 90 वन, तो नीचे वन ऊपर जीरो, तो ऊपर जीरो आने की वजह से ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो। तो यानी कि स्लोप क्या आ गया इसका, जीरो आ गया। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, स्लोप टी इज इक्वल्स टू पाई बाई टू पे कितना आ गया, जीरो आ गया। अब हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, लेकिन इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए आपको पॉइंट्स भी तो पता होने चाहिए। ठीक है, तो आपको x नॉट और y नॉट आपको पता होना चाहिए। तो ये x नॉट कहाँ से मिलेगा, ये जो इक्वेशन दी यहीं से मिलेगा। कैसे, इस इक्वेशन में, पैरामीटर के इक्वेशन में t की जगह हम क्या रख देंगे, पाई बाई टू। तो क्या हो जाएगा, x नॉट इज इक्वल्स टू a साइन क्यूब पाई बाई टू। हाँ भाई, साइन क्यूब पाई बाई टू का क्या मतलब होता है, a इंटू साइन पाई बाई टू का क्यूब। बात समझ में आई, तो ये साइन पाई बाई टू क्या होता है, वन वन का क्यूब वन, ए इंटू वन ए आ गया। और इसी तरीके से वाई नॉट निकालने के लिए, जो वाई वाली इक्वेशन है पैरामीटर की इक्वेशन, इसमें टी की जगह हम क्या रखेंगे, पाई बाई टू। तो कॉस पाई बाई टू क्या होता है, जीरो। तो कॉस का क्यूब भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो बी इंटू जीरो जीरो, तो वाई नॉट क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, तो आपने देखा इसका स्लोप भी कितना आ गया, जीरो। और इसके जो पॉइंट आए हैं आपके, वो क्या आए हैं, पॉइंट आए हैं आपके ए कॉमा जीरो। ठीक, तो जो पॉइंट है एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, वो आए हैं आपके कितने, ए कॉमा जीरो। और स्लोप जो आया है वो कितना आया है, जीरो। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है टेंजेंट का, ये होता है वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू क्या, स्लोप रखना है यहाँ, है ना। तो स्लोप कितना आया हम लोगों का, जीरो इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स नॉट। तो वाई माइनस वाई नॉट कितना आया मेरा, वाई नॉट है जीरो, और जीरो इंटू समथिंग क्या आ जाएगा, जीरो। यानी कि वाई माइनस जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई, वाई इज इक्वल टू जीरो। तो द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट इज व्हाट, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट टी इज इक्वल टू पाई बाई टू इज वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारा फिनिश हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 से पहले क्या करेंगे, बोर्ड एग्जामिनेशन में दो तीन क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वो हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को पढ़ना हो नेक्स्ट वीडियो पढ़ना, और नहीं तो स्किप करके आप जा सकते हो एक्सरसाइज 6.3 पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बस ये देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में, अगर आपसे बन जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं बनता है तो फिर सॉल्व करना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।